ए जी ओ जी लो जी सुनो जी, बूढ़े मन मौजी कर बोलता है पेपर, तुम ये सॉल्व करो जी। तो चलो पेपर सॉल्व कर देते हैं। और ये हमारा पेपर रिलीज किया गया है बोर्ड के द्वारा, दिस इज सैंपल पेपर नंबर 2। और ये पेपर देख के वाकई से लगा कि हाँ ऐसे टाइप का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं, जेन्युइन पेपर है, एक बार सॉल्व करते हैं और देखते हैं। तो चलिए पेपर में क्या क्या चीजें हैं, कैसे कैसे ये पेपर का बाइफर्केशन है वो देख लिया जाए। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपको सेक्शन ए सेम फॉर्मेट है ना, तो पांच सेक्शन के फॉर्म में डिवाइड किया गया है। तो पहला जो सेक्शन है, सेक्शन ए दैट इज ऑफ एमसीक्यूज, उसमें दो एमसीक्यूज एसेंशियल रीजनिंग के होंगे। उसके बाद सेक्शन बी में पांच क्वेश्चंस हैं कैरिंग 2 मार्क्स ईच। देन सेक्शन सी में आप देख रहे हो 6 क्वेश्चंस हैं 3 मार्क्स के, एंड सेक्शन डी में 4 क्वेश्चंस हैं 5 मार्क के। लास्ट सेक्शन ई जो है केस स्टडी क्वेश्चन है, दैट इज 3 क्वेश्चन होंगे उसमें, हर एक क्वेश्चन 4-4 मार्क के लिए होंगे। ठीक है, लेट्स जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ज्यादा इसको एनालाइज कर पाएंगे कि बोर्ड एग्जाम में पेपर का क्वेश्चन कैसा होता है। तो चलिए इसको देखते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैंने इसको वो पेपर को पीपीटी फॉर्म में कन्वर्ट किया। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एमसीक्यू सेक्शन ए का। सो दैट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल सम ऑफ 0 से 0। इसका मतलब क्या दिया गया है? वी आर प्रोवाइडेड विद अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ 0s मींस अल्फा प्लस बीटा, वी आर प्रोवाइडेड विद दैट। अल्फा प्लस बीटा दिया गया है, अल्फा प्लस बीटा इज व्हाट 0, एंड एक जीरो अल्फा दिया है 4 है। यू हैव टू फाइंड आउट क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। सो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल इज गिवन बाय पी ऑफ एक्स इज गिवन बाय के इनटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ 0s अल्फा प्लस बीटा इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0s मींस अल्फा इनटू बीटा। सो ये फॉर्मूला रहा हमारा क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का। सो इसमें मैं देख पा रहा हूं कि अल्फा प्लस बीटा तो है बट अल्फा इंटू बीटा नहीं है हमारे पास। सो अल्फा इंटू बीटा निकालने के लिए, अल्फा इंटू बीटा निकालने के लिए अल्फा इज 4, बीटा पता नहीं है, तो बीटा निकालने के लिए ये अल्फा इधर 4 डाल दो। सो अल्फा इज 4, 4 प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, सो बीटा विल बी इक्वल टू प्लस 4 उधर गया तो माइनस 4। अब यहां पे डाल सकता हूं बीटा इज माइनस 4, सो इट्स 4 4 16 प्लस माइनस माइनस, सो माइनस ऑफ 16 दिस अल्फा इंटू बीटा। अब हमको सम ऑफ 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 पता चल गया, डाल दो यहां पे, सम ऑफ 0 इज 0, 0 इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0 इज माइनस 16, सो दिस इज k इनटू x स्क्वायर, ये तो 0 हो गया माइनस 16। सो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल इज व्हाट, x स्क्वायर माइनस 16, यहां इसका मतलब कहां पे, ऑप्शन ए इज व्हाट करेक्ट ऑप्शन, दिख गया। और देखो ये बात हमको पता चल जाती है कि क्वेश्चन अगर बोर्ड का सॉल्व करना है तो बेसिक फंडामेंटल आपको एकदम अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, इन द फॉर्मूला रेसिंग कॉम्पिटिशन, एक कार, जो दो कार है ए और बी, कार ए ने एक राउंड मारने के लिए 30 मिनट्स लिया और दूसरा कार बी ने एक राउंड मारने के लिए 3 मिनट्स लिया। ओके, और इसमें क्या दिया है कि इफ दे स्टार्ट फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, दोनों एक साथ में स्टार्ट कर रहे हैं और वापस से मिल रहे हैं एट द स्टार्टिंग पॉइंट, इन हाउ मेनी टाइम, इन 90 मिनट्स। इसका मतलब ये तो एलसीएम दिया हुआ है यार, एलसीएम दिया हुआ है किसका किसका, 30 का एंड पी का, 30 एंड पी का एलसीएम इज व्हाट 90, एंड एचसीएफ दिया हुआ है उन्होंने, एचसीएफ ऑफ 30 एंड पी इज व्हाट 15, सो पी निकालना है। सो अगर ऐसा दिया है तो हमारे पास तो फॉर्मूला डायरेक्ट बताया था आपको कि अगर हमको एनसीईआरटी का फॉर्मूलाज वगैरह सब अच्छे से फंडामेंटल क्लियर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो वी हैव एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ऐसा हमने पढ़ा था फॉर्मूला। सो एलसीएम इज व्हाट 90 इनटू एचसीएफ इज व्हाट 15 इक्वल टू 2 नंबर्स और 30 एंड पी, उसका ही तो एचसीएफ एलसीएम है, तो 30 इनटू पी। अब क्या है, कैंसिलेशन, 15 वन जा 15 टू जा 2 वन जा 2 45 जा, सो पी इक्वल टू डायरेक्टली 45 मिल गया भाई।
सो मतलब सेकेंड जो कार है दैट इज कार बी इट इज टेकिंग 45 मिनट्स टू कंप्लीट वन राउंड ऑफ द ट्रैक ओके सो ऑप्शन ए इज व्हाट करेक्ट ऑप्शन सिंपल अब दिख रहा है ना मुझे कि हाँ हमको ना जो एनसीईआरटी है वो बेसिक है वो पढ़ने के बाद में ही आगे बढ़ना है वो जब वो याद रहेगा वो सब मतलब वो क्या क्या पूछता है फंडामेंटल क्लियर होगा तो ये क्वेश्चन क्या है देखो डायरेक्ट दिया नहीं हमको कि हाँ 90 मिनट एलसीएम है वो करके क्या बोला वो क्वेश्चन याद रखो है ना वो क्वेश्चन था ना तुम्हारे एनसीईआरटी में कि एक जन 12 मिनट लेता है एक राउंड मारने के लिए दूसरा जन 18 मिनट्स लेता है वो वही ट्रैक का एक राउंड मारने के लिए सो व्हाट इज द मिनिमम टाइम दे विल टेक कि अगर वो सेम वक्त से स्टार्ट करे सेम पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करे और सेम डायरेक्शन में जाए तो कितना मिनट मिनिमम मिनट्स के बाद वापस से मिलेंगे तो क्या निकालता है एलसीएम निकाला था वही है ना वही है इसका मतलब अगर फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ये बहुत इजी हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार ग्राफिकल पेयर ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस रिप्रेजेंट्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं इसमें से क्या वो इंटरसेक्टिंग है कोइंसिडेंट है पैरेलल है लेट्स सी उसके लिए पहले हमको रेशियो निकालना पड़ेगा ए वन अपॉन ए टू का सो दिस इज नाउ दिस इज ए वन दिस इज बी वन दिस इज सी वन दिस इज ए टू दिस इज बी टू एंड दिस इज सी टू अब ये नहीं बताना पड़ेगा मुझे तो यहाँ पे मुझे रेशो ए वन बाई ए टू का निकालना पड़ेगा ए वन इज वॉट सिक्स बी ए टू इज वॉट टू सो दिस इज थ्री जैसे हमने ए वन बाई ए टू निकाला बी वन बाई बी टू निकाल के देखते हैं बी वन इज वॉट माइनस थ्री बी टू इज वॉट माइनस वन सो दिस इज माइनस माइनस कैंसल थ्री अपॉन वन इज थ्री अगर ये इक्वल आए तो वी हैव टू सी सी वन बाई सी टू ऑल्सो सी वन बाई सी टू सी वन इज टेन सी टू इज वॉट नाइन सो क्या कैसा दिख रहा है ये भैया ए वन बाई ए टू का रेशो इक्वल है बी वन बाई बी टू के रेशो से बट ये रेशो सी वन बाई सी टू के रेशो से इक्वल नहीं है तो दिस लाइंस आर पैरेलल लाइंस है ना पढ़ा था ना मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन अगर ए वन बाई ए टू बी वन बाई बी टू से इक्वल नहीं मिलता तो इंटरसेक्टिंग होता है जब ए वन बाई ए टू बी वन बाई बी टू से इक्वल मिलता है बट इट इज नॉट इक्वल टू सी वन बाई सी टू द लाइंस आर पैरेलल If A1 by A2 is equal to B1 by B2 is equal to C1 by C2, the lines are coincident. सब याद रहना चाहिए आप लोगों को आगे बढ़ते If the quadratic equation x square minus 8x plus k has real roots, so पहले real roots के बारे में देखना पड़ेगा मुझे b square minus 4ac discriminant की value के ऊपर real है या नहीं है पता चलता है तो ये जब less than zero होता है तो नॉट रियल होता है क्या होता है नॉट रियल रूट्स है ना ये बात पता होना चाहिए जब भी b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है तो रियल रूट होता है रियल बट इक्वल x के दोनों वैल्यूज क्या होंगे सेम होंगे तो b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू जब b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू जब ओके तो जब जीरो से बड़ा होगा तो भी रियल होगा बट अनइक्वल होगा रियल एंड डिस्टिंक्ट तो बट रियल रूट से हमको मतलब था तो रियल था तो इसका मतलब कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा ग्रेटर होगा या इक्वल टू जीरो होगा तो ही रियल होगा अब ए बी सी देखो ए इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वन है बी इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस एट एंड सी इज व्हाट कॉन्स्टेंट टर्म के है So, b square minus 8 ka square, minus 4 into a is 1 into c is k, is greater than equal to 0, simplify karna hai. 8 square 64, negative ka square positive. 4 into k is 4k, greater than equal to 0, minus 4k is greater than equal to 64, udhar gaya plus wala to minus 64. अब क्या करूंगा देखो जब भी inequality में आप sign दोनों side का change करते हो तो inequality change जाती है. So 4k is less than equals to 64 दोनों साइड का मैंने माइनस हटा दिया साइन चेंज कर दिया तो इनइक्वालिटी ये चेंज हो गई सो k विल बी लेस देन इक्वल टू 64 अपॉन 4 देयरफॉर k इज लेस देन इक्वल टू 4 1 जा 4 4 6 जा 24 k इज लेस देन इक्वल टू 60 इसका मतलब ऑप्शन b इज व्हाट करेक्ट ऑप्शन काम करता है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन इज दिस वन सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर इज इक्वल टू
के टाइम्स द सम ऑफ एन इवन नेचुरल नंबर. सो पहले तो मुझे ये बताओ ऑड नंबर्स क्या क्या है. ऑड नेचुरल नंबर्स, सो ऑड नेचुरल नंबर्स इज 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन. वैसे ही इवन नेचुरल नंबर्स आर 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन. अब मुझे ये बताइए व्हाट इज सम ऑफ एन टर्म्स. अब इसे ये बोला है कि सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ऑड, ये देखो सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ऑड नेचुरल नंबर एंड सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ इवन नेचुरल नंबर, इसके सम. सो इसमें ऐसा दिया गया है कि सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ऑड नेचुरल नंबर इज इक्वल्स टू के टाइम्स सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ इवन नेचुरल नंबर. ऐसा बोला है कि सम ऑफ एन ऑड नेचुरल नंबर इज इक्वल टू के टाइम्स सम ऑफ एन इवन नेचुरल नंबर्स. सो मुझे ये बताओ सम क्या होता है. सम ऑफ एन टर्म्स इज ऑलवेज एन बाई टू, टू इंटू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज द फॉर्मूला. So n by 2, n is what n. So n by 2, 2 is what 2. 2 into a, a means first term. कितना है यहाँ पे 1. Plus n minus 1 into d कितना है, सब 2 2 का है कि नहीं है, दो दो बढ़ रहा है ना. So d is 2. So n by 2, 2 ones are 2. Plus 2 into n is 2n. 2 into minus 2, 1 is minus 2. Minus 2 plus 2 गया. So n by 2 into 2n. So, 2-2 cancel कर देता हूँ. N into N will be N square. जैसे इधर का N हमने निकाला, वैसे इसका भी हम N निकाल लेते हैं. So, this is N by 2. 2 into, यहाँ पे A मतलब first term is 2. Plus N minus 1 into D is 2-2 का ही difference है. यहाँ पे even number में भी देखें तो 2-2 का ही difference है. So, N by 2, 2-2s are 4. Plus 2 into N is 2N. 2 into minus 1 is minus 2. So n by 2, 2n, 4 minus 2 is minus 2, plus 2, 4 minus 2 is 2. अब n by 2, 2 common ले लिया जाए, तो n minus 1, ये 2 और ये 2 cancel, n into n minus 1, बराबर है ना, इसका मतलब क्या है, n into n minus, n plus 1, plus 1, ठीक है. अब ये हमको मिल गया, इसमें substitute कर देते हैं, कितना है, n square है. And this is what k into, this is what, this is n into n plus 1. सही है? Cross multiply कर दो, तो k का value मिल जाएगा, k is n square upon n into n plus 1. A can cancel, therefore k is equal to n upon n plus 1. इसका मतलब option D is correct option. कितना simple है, मतलब आपको अगर बेसिक फंडामेंटल हर एक चीज का पता होगा तो आप इसके बारे में सोच पाओगे, सॉल्व कर पाओगे. बहुत सिंपल है दोस्तों. आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. इफ टू एपीज हैव सेम कॉमन डिफरेंस, दो एपी है, एक एपी वन है, एक एपी टू है, दोनों का कॉमन डिफरेंस इज व्हाट इज, इसका डी वन डी डैश, इसका डी डबल डैश, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है. दोनों का क्या है डिफरेंस, d1 is equal to d double dash is equal to d. दोनों का डिफरेंस सेम. The first term of first one AP is minus 1. So इसका first term is what a dash and that is minus 1. And इसका a double dash. First term इसका क्या होगा a double dash. And this is what, this is minus 8. ऐसा दिया होगा. You have to find out the difference between the fourth term. So fourth term का difference of the fourth term means fourth term of first AP minus fourth term of the second AP, you have to find out. So difference between their fourth term, you have to find out. So difference between their fourth term of first AP minus fourth term of second AP, हमको निकालना है. So formula क्या आएगा by the way? So this is fourth term is A plus 3D of the first AP. First AP का A is A1, D is D itself. Minus of, देखो चलो first AP का मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है. Minus of fourth term of second AP is what? A of the second AP plus 3 into D of the second AP. Simple ho gaya. Now this is A of the first AP plus 3 into D of the first AP. D dash is equal to D. So D likh diya maine. Minus A of the second AP plus minus 3 into D of the second AP is D itself. Hai na? D of the second AP bhi D hai.
plus 3d minus 3d gaya. So this is a of the first AP minus a of the second AP. So a of the first AP is what? Minus 1 minus into d of the first AP is minus 8. So minus 1 plus 8 total is 7 is the value. इसका मतलब ऑप्शन सी करेक्ट था. और आपको मैं बता दूं, इतना जो मैंने किया है ना, इतना करने की जरूरत नहीं है आपको. आपको अगर एक बात दिमाग में डाल लोगे तो बहुत सिंपल वे में याद रख पाओगे कि जब भी दो एपी हैं, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है. दोनों का क्या है, देखो डिफरेंस सेम है तो डिफरेंस बिटवीन देयर फर्स्ट टर्म हो, है ना, डिफरेंस बिटवीन देयर फर्स्ट टर्म बोला जाए या डिफरेंस बिटवीन देयर सेकेंड टर्म बोला जाए, है ना, सेकेंड टर्म ऑफ द सेकेंड एपी, या डिफरेंस बिटवीन देयर थर्ड टर्म बोला जाए, ऐसा कोई भी आएगा ना. सो इट इज ऑलवेज डिफरेंस बिटवीन देयर फर्स्ट टर्म, दैट इज 7 ही आने वाला था इसमें. सो ए वन difference between the first term a of the dash minus a of the second, दोनों first term का difference आप निकाल लोगे, हमेशा मिल जाएगा minus 1, minus of minus 8, तो it is going to be plus 7. हमेशा आप ये technique ध्यान में रखो. ये कब होता है, जब d of the first AP is equal to d of the second AP is equal to d. दोनों का difference क्या होगा, same होगा, तब ये आप use कर सकते हो. ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि टू ट्रायंगल्स DEF एंड PQR. अब DEF एंड PQR, चलो दो ट्रायंगल्स बना लिया जाए. दिस इज आवर ट्रायंगल DEF, दिस इज ट्रायंगल PQR. सो दिस इज D, दिस इज E एंड दिस इज F, दिस इज P, दिस इज Q एंड दिस इज R. ये दीज आर द टू ट्रायंगल्स. ये दोनों क्या है, ट्रायंगल्स है. इसमें क्या बोला है, एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल Q. Angle R is equals to angle E. है ना, ऐसा दिया हुआ है. Then which of the following is not true? कौन सा true नहीं है? तो first of all ये ratio दिया है sides का, तो first of all हम क्या लिखेंगे, कौन किसको correspond कर रहा है triangle में. तो triangle को similarity लिख देते हैं. तो triangle DEF is similar to triangle 1, 2, 3. तो पहले तो हमको इसका करस्पॉन्डिंग साइड्स तो देखना पड़ेगा लिख के, तब तो हम इसको कंपेयर कर पाएंगे कौन सा गलत है इसमें से, है ना. सो उसके लिए पहले सिमिलरिटी लिखनी पड़ेगी. D किससे इक्वल है, Q से. D यहां पे फर्स्ट पे है, यहां पे Q फर्स्ट पे है. E किससे इक्वल है, R से. E सेकंड पे है तो R किधर आएगा, सेकंड पे आएगा. Q हो गया, R हो गया, बचा P है. यहां पे जहां पे जो पोजीशन बाकी था वहां पे P डाल दिया. This is by AA test of similarity. Triangles are similar. It means sides are in proportion. Sides proportion में है, तो first दो से DE बनेगा यहां पे QR बनेगा. Second third से EF बनेगा, यहां पे RP बनेगा. First and third से DF बनेगा. देखो पहला दो से DE upon QR, DE upon QR. Second third से EF upon RP. First and third से इधर DF, है ना, इधर फर्स्ट एंड थर्ड से क्या बनने वाले, देखो जरा इधर क्या बनने वाला है, डी और एफ, यहां से क्यू एंड पी. सो डी एफ अपॉन क्यू पी, दीज आर करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल. ये लिख दिया ना, उसके बाद में हम देख सकेंगे. अब देखो जरा, ई एफ अपॉन पी आर, ई एफ अपॉन पी आर, डी एफ अपॉन पी क्यू, ये तो सही है, इसमें गलती कोई नहीं. दूसरे पे जाते हैं, ई एफ अपॉन आर पी, ई एफ अपॉन आर पी, ठीक है, इक्वल टू डीई अपॉन पी क्यू, डीई अपॉन इधर क्यू आर है. यही वाला गलत है, मतलब यही ऑप्शन है हमारा जो गलत है. वही पूछ रहा है कौन सा गलत है, तो बी वाला गलत, तो बी इज अ करेक्ट आंसर. अब यहां पे मैं चेक करूं तो डी अपॉन क्यू आर, डीई अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू डी एफ अपॉन पी क्यू, सही है. ये भी देख लो तो EF upon RP, EF upon RP equal to DE upon QR, सही है, वो भी सही है. खाली ऑप्शन बी ही गलत था. अब ले लीजिए भाई, सोया की जगह मैं सो रहा था ना, अभी अभी उठी थी वो, मैं तो सो रही थी. अब हम चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार है,
In the given figure, PQRS is a parallelogram. Ye PQRS is a parallelogram. AT equal to AQ equal to 6. AT AQ 6 है. AS 3 है. TS 4 है. X और Y निकालना है. सिंपल सी बात है. ठीक है. अब देखिए जरा कैसे निकालते हैं इसको. कैसे निकालते हैं वो देखिए. तो पहले मैं क्या करूंगा कि हमको ये बात पता है कि ये पैरलोग्राम है तो ये इससे पैरलल है. अगर ये इससे पैरलल है तो इससे जो Z फॉर्म करेगा वो अल्टरनेट होंगे. वो एंगल्स इक्वल होंगे. दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस आर व्हाट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है ना. वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. तो चलिए हम लिख देते हैं पहले. सो देखो दो तीन मेथड है आपको. एक सिमिलरिटी से कर लो या फिर इधर हम कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल्स भी यूज कर सकते हैं. कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल्स मैं बताता हूँ बिकॉज सिमिलरिटी ऑफ द ट्रायंगल्स इन्होंने यूज करके बताया हुआ है. ओके देखिएगा सर. एंगल पी क्यू ए इज इक्वल्स टू एंगल पी क्यू ए इज इक्वल टू एस टी ए. Alternate angles are equal. Lines parallel तो alternate angles are equal. उसके बाद में QA is equal to TA. QA is equal to TA. This is each 6 centimeter. दोनों कितना है? 6 centimeter का. तो दोनों क्या होंगे? Equal होंगे. Angle PAQ is equals to angle SAT. ये क्या है? Vertically opposite. Angle. अब ये होने के बाद में देखो तो ट्राइंगल्स ट्राइंगल दिस पी ए क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एस ए टी बाई ए एस ए टेस्ट बाई ए एस ए टेस्ट. ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट सो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल. करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल इट मीन्स दैट ये जो पी ए होगा ए क्यू से ए एस से इक्वल होगा तो एक्स विल बी इक्वल टू 3 एंड ये एस टी जो होगा पी क्यू से इक्वल होगा. सो ये 4 है तो वाई विल बी इक्वल टू 4. देयर फोर एक्स इक्वल टू 3 सेंटीमीटर वाई इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. दीज आर करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल. 9 में पढ़ा हमने. सो मतलब एक्स इज 4 वाई इज 3 एक्स इज 3 वाई इज 4 मतलब ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है. सिंपल हो गया. सिंपल हो गया. हम इसको सिमिलैरिटी ऑफ द ट्रायंगल से भी कर सकते थे. कोई प्रॉब्लम नहीं था मुझे. ठीक है अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. अब क्या है इसमें? इसमें ये देखो AT इज अ टेंजेंट. उसका T को सेंटर से ड्रॉ किया तो ये 4 है इसे दिया हुआ है. दिस इज 30 डिग्री. नाउ वी नो दैट दिस इज गोइंग टू बी योर 90 डिग्री. हमको AT निकालना. हमको क्या निकालना है? AT. देखो विथ रिस्पेक्ट टू द गिवन एंगल ये क्या है? This is adjacent side. ये क्या है? Adjacent side जो निकालना है. और hypotenuse 90 के सामने hypotenuse दिया हुआ है. So hypotenuse और adjacent side मिला के कौन सा trigonometric ratio? So yes, it is cos theta. So cos theta is equal to adjacent upon hypotenuse. हमने पढ़ा था. So cos of theta, theta कितना है? 30. इसका adjacent side is what? OT upon adjacent side is what? Adjacent side देखो जरा. बगल वाला कौन सा? AT अपॉन हाइपोटेन्यूस इज OT. cos 30 कितना होता है? रूट 3 बाई 2. लिख दिया रूट 3 बाई 2. AT कितना भैया? AT हमको निकालना है. OT कितना है? OT इज 4. बस क्रॉस मल्टीप्लाई. दिस इज 2 वन सा 2 टू सा क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो देयर फोर AT विल बी इक्वल टू 2 इंटू रूट 3. 2 रूट 3 सब सेंटीमीटर्स में है तो ये भी क्या होगा? सेंटीमीटर में होगा. So, मतलब 2√3 सेंटीमीटर. यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन है. दिख रहा है मुझे? सो बहुत सिंपल है. हर एक अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ये क्वेश्चन बड़ा इजी लगेंगे तुमको. ओके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. 4 cot थीटा माइनस 5 इक्वल टू 4. यानी कि यहां पे यहां से मुझे cot थीटा की वैल्यू मिल जाएगा. ये माइनस 5 उधर गया तो प्लस 5. ये इंटू 4 है सामने गया तो अपॉन 4. दिस इज cot थीटा. हमको ये वैल्यू निकालनी है. अब देखो दो तीन मेथड है लेकिन सबसे मेथड इजी जो है वो इसी से निकलेगा.
देखो इसको सारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उसको हमको कॉट में कन्वर्ट करने की कोशिश कर लो. सो वी नो दैट कॉट इज कॉस बाय साइन. सो ये कॉस को मैं साइन से डिवाइड करूंगा तो कॉट बनने की चांसेस है. सो ये क्या करूंगा, मेरे पास यही इसका वैल्यू निकालना है. तो दिस इज इक्वल्स टू इक्वल टू यहां पे लिखता हूं 5 साइन थीटा माइनस 4 कॉस थीटा द होल अपॉन 5 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा. अगर मुझे ये कॉस को साइन से डिवाइड करना है तो न्यूमरेटर को भी साइन से डिवाइड करना पड़ेगा हर एक टर्म को, और डिनोमिनेटर के भी हर एक टर्म को साइन से डिवाइड करना पड़ेगा. यही रूल है कि डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाय साइन थीटा. नाउ वी विल ये जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा, साइन साइन कैंसिल, साइन साइन गेट कैंसल्ड ऑफ. दिस इज 5 माइनस 4 कॉस बाय साइन इज 4 थीटा अपॉन दिस इज 5 प्लस 4 कॉस बाय साइन इज 4 थीटा. नाउ कॉट थीटा में कन्वर्ट हो गया. अब हम कॉट थीटा की वैल्यू यहां पे डाल पाएंगे, है ना, यहां पे कॉट थीटा की वैल्यू डाल पाएंगे. चलो तो 5 माइनस 4 व्हाट इज कॉट थीटा, कॉट थीटा इज 5 बाय 4 डाल दिया 5 बाय 4 अपॉन 5 प्लस 4 इंटू 5 बाय 4 ये 4 कैंसिल 5 माइनस 5 इज 0 5 प्लस 5 इज 10 so this is equals to what 0 yani ki option c is what correct option hai na. to hope kar rahe hain sabko baat ye samajh mein aa rahi hai, bahut simple way mein kar sakte ho aap. chaliye next question dekhte hain. to ye question is prakar hai, you have to find out area of the segment. yahan pe segment ye wala part jo hai ye area of the segment. so area of the segment agar mujhe nikalna hai, so mere paas do formulas hain. अब दो फॉर्मूलाज ऐसा है कि एरिया ऑफ द सेक्टर में से एरिया ऑफ द ट्रायंगल माइनस कर दो, या फिर एक फॉर्मूला डायरेक्ट है कि जब भी दो फॉर्मूला है इसके भी, जब थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, लेस ग्रेटर देन जीरो, जीरो से बड़ा होगा बट लेस देन इक्वल टू 90 होगा. सो एरिया ऑफ द सेगमेंट का फॉर्मूला हम यूज करेंगे एज आर स्क्वायर पाई थीटा बाई 360 माइनस ऑफ साइन थीटा द होल अपॉन 2. ओके, ये हो गया एक फॉर्मूला. और एक ऐसा है जब थीटा इज ग्रेटर देन 90 से जब बड़ा होगा, सो एरिया ऑफ द सेगमेंट विल बी गिवन बाय, एरिया ऑफ द सेगमेंट इज आर स्क्वायर पाई थीटा बाय 360 माइनस ऑफ साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2. दिस इज द फॉर्मूला. तो ये जब फॉर्मूला आपको आते रहेंगे तो बहुत सिंपल हो जाता है सब क्वेश्चंस, है ना. अब देखिएगा आर स्क्वायर, क्योंकि ये रेंज में है उसका थीटा, सो आर स्क्वायर आर के आर ही दिया हुआ है, तो आर स्क्वायर पाई इंटू, क्योंकि पाई के फॉर्म में चाहिए. थीटा इज व्हाट 90 अपॉन 360 माइनस साइन ऑफ 90, थीटा इज 90 अपॉन 2, थीटा का वैल्यू डाल दिया हमने. सॉल्व कर लो, दिस इज 1 टाइम्स, दिस इज 4 टाइम्स. तो मैं ऐसा लिख देता हूं, बेटर दूसरा कलर से कैंसिलेशन हो जाए. सो दिस इज 1 टाइम, दिस इज 4 टाइम्स. सो दिस इज इक्वल्स टू, वापस से मैं जब चलूं, सो आर स्क्वायर दिस इज पाई बाय 4, साइन 90 इज 1 बाय 2. अब डिनोमिनेटर सेम कर देता हूं. डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पे भी 2 से मल्टीप्लाई, यहां पे भी 2 से मल्टीप्लाई, ताकि डिनोमिनेटर सबका दोनों का 4 हो जाए. अब यहां पे देख पा रहे हो तो आर स्क्वायर, डिनोमिनेटर सेम है तो एक बार 4 लिख दिया, ऊपर पाई माइनस 2 बन जाता 2, सो पाई माइनस 2, सो आर स्क्वायर बाय 4, दिस इज स्क्वायर यूनिट्स, ऐसा लिख सकते हो. सो आर स्क्वायर बाय 4 पाई माइनस 2, इसका मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन, आर स्क्वायर बाय 4 पाई माइनस 2. अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन इज 2 क्यूब्स व्हिच आर 6 सेंटीमीटर एच आर जॉइंट एंड टू एंड. दो क्यूब्स हैं, दोनों को एंड टू एंड ज्वाइन किया हुआ है. सो दिस इज 1 क्यूब, आप देख सकते हो कि किस प्रकार हमने बनाया है इसको, और बहुत बढ़िया डायग्राम बन चुका है.
और सबको देखने में भी आता होगा कि दो क्यूब्स को ज्वाइन करके एक क्यूबॉइड बना है ना। चलिए सो दिस इज एल, दिस इज एल, दिस इज एल एंड दिस इज एल। अब फॉर क्यूब एल इज व्हाट, दिस इज क्यूब का साइड इज व्हाट 6 सेंटीमीटर एंड बोला है कि फाइंड आउट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। दो क्यूब को ज्वाइन करके क्यूबॉइड जो बना उसका टोटल सरफेस एरिया निकालो। तो फॉर अ क्यूबॉइड यू हैव टू फाइंड आउट टोटल सरफेस एरिया। सो क्यूबॉइड के लिए ये जो रहेगा यहां से यहां तक कैपिटल एल दैट इज 2 × L और एल दिया है 6, एल कितना दिया है 6, तो 2 × 6 = 12 सेंटीमीटर। ओके वैसे ही दिस इज ब्रेथ, दिस विल एक्ट एज अ ब्रेथ एंड दैट इज 6 सेंटीमीटर बिकॉज एल इज 6 सेंटीमीटर। दिस विल एक्ट एज अ हाइट एंड दैट इज 6 सेंटीमीटर। सो लेंथ ब्रेथ हाइट पता चल गया। सो फॉर अ क्यूबॉइड टोटल सरफेस एरिया की बात करूंगा। सो टोटल सरफेस एरिया इज 2 × LB + BH + LH इज द फॉर्मूला। तो 2 × L कितना है 12, 12 × B इज व्हाट 6 प्लस B इज 6 इनटू हाइट इज 6 प्लस L इज 12 इनटू हाइट इज 6। अगर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं तो 2 × 12 = 72, 6 × 6 = 36 एंड 72। सो 2 × 72 + 72 इज नाउ दिस इज 0 वन कैरी, 4 + 14 = 18, 18 × 2 = 36, 360 cm² इज द एरिया। देखो ये एक मेथड था और एक मेथड है हमारे पास, जब भी ऐसा होगा शॉर्टकट करने के लिए बता दो आपको, जब भी दो क्यूब्स एंड टू एंड ज्वाइन होंगे तो टोटल सरफेस एरिया 10 × l² इज द फॉर्मूला फॉर अ क्यूबॉइड। सो ये ट्रिक ये समझ लेना। तो दिस इज 10 × l इज व्हाट 6 × 6² 36 × 10 = 360 हो गया। तो ये आप कब यूज कर सकते हो, एक मार्क का क्वेश्चन आएगा जैसे ये है तो आप यूज कर सकते हो एंड आपको जब सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन आएगा तो आप ऐसे ही करोगे। ओके तो ये ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन इज अ स्फीयर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम इज कट आउट फ्रॉम द सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। A sphere of maximum volume is cut out from the solid hemisphere of radius 7 cm. Then the ratio of the volume of original hemisphere to the cut out sphere. So, देखिए जरा, एक hemisphere है, मैं आपको बना के बता दूं. So, this is hemisphere, जिसका radius है R. The radius is what? 7 cm. अब इसमें से एक maximum volume वाला स्फीयर काट के निकाला, देखो ऐसा है ना, तो ऐसा काट के निकला जिसका जिसका डायमीटर जो है ये होगा। अगर मैं इसमें बनाऊं सो इसका डायमीटर क्या होगा, वो डायमीटर रेडियस से इक्वल होगा। इसका डायमीटर जो होगा डी दैट इज इक्वल टू स्मॉल आर विच इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। सो रेडियस विल बी इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर। अब उसने क्या बोला, रेशियो ऑफ द original hemisphere to that of find the ratio of the volume of original hemisphere to that of the cutout sphere. So volume of hemisphere upon volume of sphere. So volume kya hoga, volume is hemisphere ka 2/3 πr³, hemisphere ka r to r hai to r ka cube, upon volume of sphere is 4/3 πr³. पाई पाई गेट कैंसल्ड ऑफ, 3 3 गया, 2 1 2 2 2 यानी कि दिस इज आर क्यूब अपॉन 2 r³। r कितना है 7, सो 7 × 7 × 7 स्मॉल r एंड 2 × r³ इज व्हाट 7/2 7/2 7/2। अब 7 7 7 7 7 7 सब 3 7 कैंसिल, 2 1 2 1 2 This is 1 upon, this is 1 by 4, 2 2's are 4. So this is 1 × 4/1, so 4 1's are 4, 4 by 1 hoga. That is 4:1 ka ratio hai. Ratio of volume of hemisphere to that of sphere is what, 4:1. 4:1 yani ki option D is what, correct option.
आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे कैलकुलेशन करते हैं और डायग्राम कैसे बनाते हैं। ये क्वेश्चन जरा यूनिक सा है, जरा ध्यान से देखिएगा इसको। द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट ए एंड बी ऑन द ग्राफ इज गिवन बाय रूट ऑफ 10 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। द कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज -4, 3। Given that the point B lies in the first quadrant, then all the possible values of अब देखो A का coordinate दिया, this is your y axis, this is your x axis, so obviously this is -4, 3, so it is lying in second quadrant, so this is -4, 3 यहाँ पे, this is point A, यहाँ से A से B तक है ना, B lies in the first quadrant में है। अब इसका वैल्यू नहीं दिया तो h कॉमा k ले लेता हूं या फिर x कॉमा y ले लेता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला अगर मैं देखू कि डिस्टेंस ऑफ ए बी, सो ए बी का डिस्टेंस क्या मिलेगा, रूट ऑफ डिफरेंस ऑफ x, मतलब x और ये माइनस फोर, उसका डिफरेंस विल बी x माइनस माइनस फोर मीन्स x प्लस फोर द होल स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ y मीन्स y माइनस थ्री द होल स्क्वायर। दिस इज बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। So, अगर ये दिया हुआ ऐसा है कि दिस इज इक्वल टू रूट ऑफ 10 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, तो ये तो ऐसे भी हो सकता है कि x प्लस 4 केस 1 में ऐसा भी हो सकता है कि x प्लस 4 इज 10, या फिर ऐसा हो सकता है कि x प्लस 4 केस 2 में ये 7 हो, x प्लस 4 इक्वल टू 7। सो x विल बी इक्वल टू दिस इज 6 and this is x equal to 3, so possibilities ऐसे हैं कि 3 है, 6 है, मतलब 3 का मल्टीपल है rather, है ना, so multiple of 3 यानी कि option B will be correct option, okay? देखो मैं जब ये हो केस 1 में जब x equal to 4 10 होगा तब y minus 3 7 होगा, लेकिन केस 2 में जब ऐसा होगा कि x plus 4 7 हो तो y minus 3 10 होगा, ऐसे ही होगा ना, सिंपल सी बात है। तो दोनों केस लेके x का वैल्यूज निकाल दिया मैंने और x का वैल्यू देख रहा हूं तो 6 और 3 है, दैट इज दैट आर मल्टीपल ऑफ 3, है ना, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब वही बोला हूं बार-बार कि फंडामेंटल क्लियर होगा तो एकदम इजी लगेगा क्वेश्चंस। ए बी एंड सी आर द वर्टाइसेस ऑफ 3 वर्टाइसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम एबीसीडी, देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स डी इज। सो पैरेललोग्राम का वर्टेक्स दिया हुआ, अब इसको मैं तुमको बताऊंगा कि शॉर्टकट में कैसे करते हैं, फॉर्मूला क्या है शॉर्टकट के लिए, जरा ध्यान से देख लेना। सो दिस इज द पैरेललोग्राम, सो ए इज व्हाट, ए इज 1, 2, दिस इज बी, बी इज 4, 3, दिस इज सी, सी इज 6, 6, एंड दिस इज डी, यू हैव टू फाइंड आउट x4, y4, this is x1, y1, x2, y2, x3, y3। जब भी ये पैरेललोग्राम होगा तो आपको मैं बता दूं कि सम ऑफ x कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑपोजिट वर्टेक्स आर इक्वल, इसका मतलब x1 plus x3 विल बी इक्वल टू x2 plus x4। X1 is what? 1. 1 plus 6 will be equal to X2 is 4. 4 plus X4. This is 7. Plus 4 इधर गया तो minus 4 is equal to X4. Therefore, X4 is equal to 3. जैसे X4 निकाला, Y4 भी निकालते हैं. Y1 plus Y3, Y2 plus Y4 से equal होगा. Y2 plus Y4. So y1 is 2, 2 plus 6, 2 plus 6 is equal to 3 plus y4, 3 plus y4. So this is 8, 8 plus 3, that the minus 3 is equal to y4. So therefore y4 is equal to 5. So x4, y4 is what? X4, y4 coordinate of D is x4, y4 which is equals to x4 is 3, y4 is 5, 3, 5 is the value, means option D is what correct option। कैसे easy करते हैं वो आपको बता दिया मैंने। आगे बढ़ते हैं next question की तरफ, चलते हैं next question number 3 is this one। अब जरा ये question को जब हम देख रहे हैं तो क्या दिख रहा है,
a1x plus b1y plus c1, these are the two linear equations. a2x plus b2y plus c equal to 0. These are two linear equations. अब ये कुछ इवेंट्स दिए हुए हैं, कुछ तुमको केसेस दिए हुए हैं, कौन से केस से हमको भैया, कौन से इंडिविजुअल केस से हमको ये बात पता चल जाती कि इसको ये इक्वेशन को सॉल्यूशंस है या नहीं है. ओके, सो अब ये देखो, ए वन बाई बी वन इज इक्वल टू ए टू बाई बी टू इक्वल टू वन. अब इसका मतलब तो ये है कि ए वन इधर आ जाएगा, ए टू इधर आ जाएगा. सो भैया ए वन बाई ए टू इक्वल टू बी वन बाई बी टू इक्वल टू वन, इसका मतलब ये रेशियोस सब 1:1 है. इसका मतलब लाइंस क्या है, पैरेलल है, सॉरी कोइंसिडेंट है. लाइन कैसे है, कोइंसिडेंट है, मतलब नो सॉल्यूशंस, मेनी सॉल्यूशंस है. यानी कि क्या मतलब है, मेनी सॉल्यूशंस. सो इससे ये बात पता चल जाती है कि मेनी सॉल्यूशंस है. इससे इसका कंपैरिजन, ये दोनों इक्वल है बट सी वन बाई सी टू से कंपैरिजन दिया नहीं है, मतलब इससे पूरा जानकारी मिलता नहीं है. अब देखो ए वन बाई ए टू इक्वल टू ए वन बाई बी वन, व्हाट इज दिस. सो इससे भी, ये कंडीशन से भी पूरा जानकारी नहीं मिल रहा. इधर ए वन बाई ए टू, इधर बी वन बाई बी टू होना चाहिए था. सो इससे पूरा जानकारी नहीं मिल रहा. इधर ए वन बाई बी वन इज नॉट इक्वल टू ए वन बाई ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन बाई बी टू, मतलब देर इज वन सोल्यूशन. लाइन्स कैसे है, इंटरसेक्टिंग है, तो वन सोल्यूशन है, मतलब सोल्यूशन है. तो ये दो कंडीशन से सोल्यूशन है या नहीं है पता चल जाता है. मतलब वन एंड फोर वाला कंडीशन ऐसा है जो पूरा डिफाइन होता है. सो वन एंड फोर मतलब ऑप्शन बी विल बी करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. मैं जब देख रहा हूं, सो इफ द मोड ऑफ द डेटा इज 7 एंड द मीन इज 7, देन देयर मीडियन इज, मोड दिया हुआ है, मोड इज 7, मीन इज 7, देन मीडियन. सो हमारे पास फॉर्मूला है 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड. क्या फॉर्मूला है, 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड. दिस इज इंपेरिकल फॉर्मूला. ये क्या है, इंपेरिकल फॉर्मूला. सो मीडियन हमको निकालना है, मीडियन क्या करना है हमको निकालना है. तो उसको ऐसे लिखा, 2 इंटू मीन दिया, मीन इज 7 प्लस मोड इज 7 अपॉन 3. 7 टू सा 14, 14 प्लस 7 अपॉन 3, सो 21 बाई 3, दैट इज 7. सो मीडियन इज ऑल्सो 7. मीडियन क्या है भैया, इसमें 7 है. देखो 7 मीन्स ऑप्शन डी इज व्हाट करेक्ट ऑप्शन. तो एक बात ऐसा होता है, जब भी मैं मीन और देखो मीन और मोड सेम होगा तो मीडियन भी क्या होगा, सेम ही होगा, चेंज नहीं होगा. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. इन एन एमसीक्यू टेस्ट, अ स्टूडेंट गेसेस द करेक्ट आंसर एक्स आउट ऑफ वाई टाइम्स. If the probability that the student guesses the answer to the wrong is 2 by 3, then what is the relation between x and y? Anna. A student guesses the correct answer x out of y times. So, इसका मतलब ये है कि x पूरा y में से x type जब guess कर रहा है पूरा y times में से. So, x times सही जवाब दे रहा है. So, if the probability that student guesses the wrong is 2 by 3, then what is the relation between x and y? So, आपको बता दूं, probability of guessing wrong answer will be equals to wrong answer कितने होंगे, y minus x times wrong answer होंगे out of total y. And this is wrong answer is equal to y minus x upon y is equals to what, 2 by 3 diya hai. Cross multiplying, 3 into y is 3y, 3 into x is 3x equal to 2y. Sab y x side leke a jate hain aur x x side. So idhar aaya to 3y minus 2y equal to 3x. So y equal to 3x is the relation between x and y. Kya hai y equal to 3x? यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन. अब देखो फिर से देख लो इस क्वेश्चन को, जरा यूनिक सा क्वेश्चन दिया है जो एग्जाम में आया हुआ है. अब देखो ऑब्वियसली टोटल कितने टाइम गेसिंग हुआ, वाई टाइम्स. वाई में से एक्स टाइम्स उसका राइट था, तो रॉन्ग कितना होगा,
So total guessing is y times, right guessing is x times. So wrong guessing, this is right guessing, yeah? This is right guessing is x times. So wrong guessing is what? Y minus x times. So probability of wrong answer is what? Total wrong guessing, that is y minus x upon total, that is y. और इसे सॉल्व करके x y का रिलेशन मिल गया हमको बहुत सिंपल तरीके से. सो ऑप्शन ए वाज करेक्ट ऑप्शन, y इक्वल टू 3x. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज assertion reasoning, यानी कि हमने MCQs खत्म कर दिए हैं. दो assertion reasoning वाला MCQs है. जरा ध्यान से देखते हैं. मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1 by sec x plus 1 by cosec x is 1. Let's see. 1 by sec is cos plus 1 by cosec is sin. 1 plus 1 will be 2. यानी कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए? 2. इधर 1 दिया है. सो दिस इज व्हाट फॉल्स स्टेटमेंट. ये क्या है? फॉल्स स्टेटमेंट. मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बोथ साइन थीटा एंड कॉस थीटा इज 1. यस दिस इज ट्रू. दिस इज व्हाट साइन थीटा का भी 1 है एंड कॉस थीटा का भी 1 है. सो टोटल विल बी 2 अगर ऐसा देखा जाए. सो मतलब first is false and second is true means option D will be correct option. A is false but R is true, but the reason is true. Let's move towards the next one. Next question ki taraf chalte hain. The probability of getting a bad egg in a lot is, lot of 400 is 0.035. The number of good egg is in the lot is 386. Ab dekho zara इसमें क्या बोला है. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बैड एग, प्रोबेबिलिटी ऑफ बैड एग इज व्हाट? 0.035. सो आउट ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ बैड एग इज नंबर ऑफ बैड एग अपॉन टोटल एग इज 0.035. सो नंबर ऑफ बैड एग्स अपॉन टोटल एग्स इज 400 बोला है ना. 400 इज द टोटल एग इज इक्वल टू 0.035. सॉल्व करते हैं. तो नंबर ऑफ बैड एग विल बी इक्वल्स टू 0.035 इनटू 400 है ना, इनटू 400 क्रॉस मल्टीप्लाई. तो ये तो पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा, पॉइंट 00 हट जाएगा है ना. सो 3.5 इनटू 4, 5 4s आर 20, 4th 12 12 13 14. मतलब नंबर ऑफ बैड एग्स आर 14. दिस इज नंबर ऑफ बैड एग्स. तो नंबर ऑफ गुड एग्स आर टोटल एग्स इज 400 माइनस 14. तो 386 इज द टोटल नंबर ऑफ गुड एग्स. मींस दिस इज ट्रू स्टेटमेंट. दिस इज व्हाट ट्रू स्टेटमेंट. इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट पी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट इज 1 माइनस पी, दिस इज ऑल्सो ट्रू. और ये हम यूज कर सकते हैं, वही यूज किया था ना. प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड एग, प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड एग विल बी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बैड एग. ये भी यूज करके निकाल सकते थे आप. ओके, सो यूज कर सकते हैं. सो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. सो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन. ओके, सो यहां पे एमसीक्यू समाप्त होते. अब चलेंगे सेक्शन बी की ओर. सो सेक्शन बी में हर एक क्वेश्चन 2-2 मार्क का है. अ फॉरेस्टर वांट टू प्लांट 66 एप्पल ट्रीज, 88 बनाना ट्रीज एंड 110 मैंगो ट्रीज इन इक्वल रोज इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ट्रीज. ऑल्सो ही वांट्स टू मेक डिस्टिंक्ट रूट ऑफ ट्रीज ओनली बाय टाइप ऑफ ट्रीज इन वन रो. फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रोज रिक्वायर्ड. अब मिनिमम नंबर ऑफ रोज मींस मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो. इसने क्या बोला है? मिनिमम नंबर ऑफ रोज रिक्वायर्ड. रोज कितना लगेंगे वो, मतलब कितने रो लगेंगे, लेकिन मिनिमम चाहिए वो रो. तो हर एक रोज में मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लांट्स वी वांट. मैक्सिमम आया, इसका मतलब क्या निकालना है? यस, हाईएस्ट कॉमन फैक्ट. So 66, 88 or 110
110 का 66 88 110 का HCF निकाल दो पहले. सो 11 11 6 11 8 11 10 बराबर. नाउ 2 3 2 4 2 5 और कोई भी कॉमन टेबल में जाता नहीं तो डायरेक्टली ही HCF ऑफ 66 88 and 110 is 11 into 2 that is 22. मतलब हर एक रो में 22 प्लांट्स तो प्लांट करना पड़ेगा तब जाके नंबर ऑफ रोज मिनिमाइज होगा और हर एक रोज में इक्वल नंबर ऑफ प्लांट्स होंगे और हर एक रो में सेम प्लांट्स होंगे. ओके सो 22. अब पूछा है व्हाट फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रोज रिक्वायर्ड. मिनिमम नंबर ऑफ रोज विल बी, अब देखो नंबर ऑफ रोज ऑफ 66 एप्पल प्लांट, नंबर ऑफ रोज ऑफ एप्पल प्लांट्स दैट इज 66 upon 22 दैट इज 3. नंबर ऑफ रोज ऑफ दूसरा बनाना प्लांट इज टोटल 88 out of 22 दैट इज 4. एंड नंबर ऑफ रोज ऑफ मैंगो प्लांट विल बी 110 upon 22 दैट इज 5. So total number of rows will be equal to 3 plus 4 plus 5. So that is 9 plus 3 is 12. Number of rows are required. Minimum 12 number of rows लगेंगे. Okay. चलिए समझ में आ गया होगा आप लोगों को, होप कर रहे हैं. आगे बढ़ते हैं next question की तरफ चलते हैं. If alpha and beta are the zeros of x square minus x minus 2 form a quadratic polynomial. Zeros are this and this. Very important question. So, जरा ध्यान से देखिएगा. ये बाद में करते हैं हम, ये पहले करते हैं. Okay? जगह दिया है या नहीं पता नहीं. आ दिया है. ठीक है. So, पहले ये कर लेते हैं. जरा ध्यान से. कि बोला है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पी ऑफ एक्स, तुम्हारे पास पॉलीनोमियल इन द फॉर्म ऑफ एक्स दिया हुआ है. सो दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू. सो अल्फा प्लस बीटा, इसका अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई ए. सो मैं लिख दू पहले, ए इज 1, बी इज माइनस 1 एंड सी इज माइनस 2. सो अल्फा प्लस बीटा इसका निकाल लेते हैं, माइनस बी बाई ए. It's minus of minus 1 upon A is 1. So this is 1. Alpha into beta is what? C by A. C is minus 2 upon 1. It means minus 2. So हमने alpha plus beta, alpha into beta निकाल लिया. हमको required क्या है? हमको दूसरा quadratic polynomial Q of X निकालना है. Q of X is given by, that is K into X square minus sum of zeros into X plus product of zeros. ये formula था हमारे पास. So sum of zeros S is equal to zeros are this and this. Iska sum matlab to alpha plus 1 into plus 2 beta plus 1. 2 beta plus 1. This is sum of zeros. Agar mujhe ye chahiye, to isme se 2 common. Yahan se alpha plus beta. 1 plus 1 is 2. So 2 into, now we know the value of alpha plus beta. Kitna hai 1 hai? प्लस टू. सो दिस इज 2 अंदर 2, 2 प्लस 2 इज व्हाट 4. सो एस मिल गया. अब प्रोडक्ट निकालते हैं पी. सो दिस इज 2 अल्फा प्लस 1 इनटू 2 बीटा प्लस 1. जब मैं प्रोडक्ट कर रहा हूं, सो 2 2 इज 4, 4 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा, है ना, प्लस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 1 1 इज 1. सो 4 अल्फा बीटा प्लस 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस 1. अब सब्स्टिट्यूट करो, 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा इज व्हाट, माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा. एंड 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा इज व्हाट, 1 प्लस 1. सो दिस इज माइनस 2, माइनस 4 टोटल, माइनस 2, 4 प्लस 2 विल बी माइनस 2, माइनस 2 प्लस 1 इज माइनस 1. बराबर है, दिस इज माइनस 4 एंड दिस इज प्लस 3, माइनस 4 प्लस 3 इज व्हाट, माइनस 1. अब ये वैल्यू एस एंड पी मिलकर डाल दो. So k into x square minus s, s कितना मिला, 4. So 4 into x plus p कितना मिला, minus 1 डाल दिया.
So this is equal to k into x square minus 4x minus 1. So required quadratic polynomial is x square minus 4x minus 1 is the value. खत्म हो गई. कितना सिंपल तरीके से आप लोग ने किया, कितना सिंपल तरीके से आपको मैंने बताया. अब इसको एक दो बार जरूर करना है, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस और भी है आरडी शर्मा वगैरह में, आप लोग करना है. सेकंड क्वेश्चन और में इस प्रकार था कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ एफ ऑफ एक्स, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस के, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इज 21/4, फाइंड द वैल्यू ऑफ के. के की वैल्यू हमको निकालनी. So, अब मैं देखूं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4, ये सब पी वाई क्यूज में आ चुके हैं पहले भी. सो मैं आपको बता दूं यहाँ पे ए कितना है, ए इज 2, बी इज व्हाट 5 एंड सी इज व्हाट के. अल्फा प्लस बीटा, अगर अल्फा स्क्वायर प्लस, इसमें से पहले मैं अल्फा प्लस बीटा निकाल लू, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए माइनस ऑफ 5/2, सो इट्स माइनस 5/2. अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, सी इज वॉट के, के बाई 2. बस लिख दिया हमने, निकाल दिया. अब अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या फॉर्मूला था, अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, यही पढ़े थे ना, दिस इज अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर का फॉर्मूला. प्लस आगे कितना अल्फा बीटा वो वैसे लिखा है, इज इक्वल टू 21/4. नाउ दिस इज नो, दिस इज वॉट माइनस 5/2 द होल स्क्वायर. ये माइनस 2 प्लस 1 विल बी व्हाट, माइनस 1 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4. 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, माइनस 1 अल्फा बीटा, अल्फा बीटा इज व्हाट, 3/2 इज इक्वल टू 21/4. डिनोमिनेटर सेम करो या फिर इसको इधर लेके आओ, पहले इसको इधर लेके जाओ. सो दिस इज 25/4, ये इधर गया तो माइनस 21/4, माइनस के बाई 2 इधर गया तो प्लस के बाई 2. So denominator same, 4, 25 minus 1 will be, 25 minus 21 will be 4, equal to k by 2, 4 ones are, 4 ones are, cross multiply, 2 equal to k, so k equal to what? कितना simple है. ये सारे questions हम PYQs में कर रहे थे जो series चल रहा है ना. आगे बढ़ते हैं, next question की तरफ चलते हैं. Next question on the screen is this one. BE upon D, जो हमको प्रूव करना है, BE अपॉन डीई इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी. तो इसका मतलब ये दो ट्राइंगल्स है, इनका करस हमको सिमिलरिटी प्रूव करना है, सिंपल सी बात. ओके, जरा ध्यान से देखिए, ये ट्राइंगल में ये 90 है, ये ट्राइंगल इधर ये 90 है, ये एंगल थीटा ले लिया जाए, सो दिस एंगल विल बी 90 माइनस थीटा. अब ये थीटा है, ये 90 है, तो दिस एंगल विल बी इक्वल्स टू 90 माइनस थीटा. ओके, लेट एंगल ए बी सी इक्वल टू थीटा. ओके, सो अब जरा ध्यान से देखो, तो डी बी ई कितना मिलेगा, therefore angle DBE will be equal to 90 minus theta and angle BAC, BAC एक 90 एक theta, तो तीसरा क्या होगा, 90 minus theta होगा. अब ये हो गया, तो हम लोग triangle को similar proof कर सकते हैं किसको, this is 90 here, so ये triangle और ये triangle में दो angle equal दिख रहा है, 90 है दोनों में और एक 90 minus theta है, so दोनों angle ले लेते हैं. So in triangle, this D, this BED, BED and triangle, this BED and triangle, this ACB, क्या लेंगे, जो दोनों 90 है, तो BED is equal to angle ACB, दोनों क्या है, ईच 90 डिग्री. और एक एंगल इक्वल है वो लिख देते हैं, दिस इज डी बी ई इज इक्वल्स टू एंगल सी ए बी या बी ए सी, दैट इज बी ए सी, ईच इज 90 माइनस थीटा. सो देयरफॉर ट्रायंगल
BED is similar to triangle. दो एंगल इक्वल हो गए तो ट्राइंगल सिमिलर, जब सिमिलर लिखते हो बाई ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी तो उसका करस्पॉन्डिंग साइड लिखना पड़ेगा, करस्पॉन्डेंस देखना पड़ेगा. वी नो दैट यहाँ पे एंगल ई, यहाँ पे एंगल सी 90 है तो ई करस्पॉन्ड्स टू सी, ई सेकेंड पे, तो यहाँ पे सी किधर होगा, सेकेंड पे होगा. ये यहाँ पे 90 माइनस थीटा एंगल बी, और यहाँ पे एंगल ए, सो बी करस्पॉन्ड्स टू ए, बी यहाँ पे फर्स्ट पे, तो यहाँ पे ए किधर आएगा, फर्स्ट पे आएगा. ए हो गया, सी हो गया, बचा बी है, यहाँ पे पोजिशन थर्ड बाकी है, वहां पे डाल दिया बी बाई ए टेस्ट. ट्राइंगल सिमिलर, ट्राइंगल सिमिलर तो उसका करस्पॉन्डिंग साइड्स लिख देते हैं. सो फर्स्ट से बीई अपॉन ए सी इज इक्वल टू सेकेंड थर्ड से इधर ईडी बनेगा और यहां पे सीडी बनेगा, बराबर ना. बस अब आगे नहीं लिखते बिकॉज इसका ही रिलेशन चाहिए. दिस आर करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल. व्हाट वी वांट, बीई अपॉन ईडी चाहिए, बीई अपॉन डी ये नीचे चाहिए क्रॉस मल्टीप्लाई. सो दैट इज बीई अपॉन ईडी is equal to ये cross multiply AC by CB. वही चाहिए ना, हो गया ना proof. CB that is BC. Okay. बहुत simple तरीके से आपको बता दिया मैंने, कितना simple तरीके से आप लोगों ने किया. चलिए आगे बढ़ते हैं next question की तरफ. Next question on the screen is AD and PM are the medians of the triangle ABC and PQR. तो चलो दो triangles बना ले. So these are the two triangles. दो मीडियंस दिए हुए हैं, सो दीज आर द मीडियंस. सो दिस इज ए बी सी एंड दिस इज पी क्यू आर ए डी एंड पी एम आर द मीडियंस. यू हैव टू प्रूफ रेस्पेक्टिवली वेयर ट्रायंगल ए बी सी this is given AD and PM are the medians, AD and PM are the medians, AD and PM are medians. Then you have to prove that AB upon PQ is equals to AD upon PM. ये प्रूफ देखते हैं और जरा ध्यान से एकदम कि ट्रायंगल सिमिलर दिया है. ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR. दिस इज व्हाट गिवन. अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो उसका करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनेट होंगे. लिख लेते हैं हम लोग. सो यहां से फर्स्ट दो से यहां पे AB और यहां पे PQ. So, AB upon PQ का रेशियो सेकेंड थर्ड से BC यहाँ पे QR, इट इज इक्वल टू BC upon QR. अब तीसरा पार्ट AC लिखते नहीं है बिकॉज AC जो है ना वो AB और PQ में आता नहीं. ये मुझे ये दो ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ करने का जॉब है बिकॉज ये जो प्रूफ करना है AB by PQ एंड AD by PM वही दो ट्राइंगल्स में है, उसका करस्पॉन्डिंग साइड्स. सो उसमें AC आता नहीं तो लिखता नहीं. These are corresponding parts of similar triangle. अब जब ये लिख दिया so AB upon PQ ये छोटे triangles में है but BC है क्या? नहीं, BC का half part है ना. So हम BC को 2BD लिख देते हैं. Why? Because this is the midpoint, because AD is the median. वैसे QR क्या है? QR is 2QM. ये क्यों लिखा? Because D is midpoint of BC. Why? Because AD is median. Since AD is median. वैसे ही M is midpoint of QR. Why? Because QM is median. PM, sorry. PM is median. ठीक है. So 2-2 cancel. बचा क्या? कि AB by PQ is equals to BD by QM. So AB by PQ equals to BD by QM. Those sides proportionate mila. Or we know that if triangles are similar, then corresponding angles are equal. So angle B equal to angle Q. Angle B
equal to angle corresponding parts of similar triangle. अगर ऐसा है दो sides proportionate है उसके बीच का angle equal है तो triangles are similar. So therefore triangle A, B, D similar to triangle, let us see the correspondence 1, 2, 3. So B corresponds to Q, B second pe, to the Q second pe aega. And if B corresponds to Q, then A corresponds to P, A yahan pe first pe, to yahan pe P first pe aega. P ho gaya, Q ho gaya, third bacha hua kya hai, M hai, to M dal diya. This is by SAS criteria. Triangles are similar, then sides are in proportion, it means that AB, PQ. So AB upon PQ is equal to second third से BD यहाँ पे QM equal to first and third से AD यहाँ पे PM corresponding parts of similar triangle यहाँ पे क्या बना AB by PQ वही चाहिए ना AB by PQ is equal to BD by PM हो गया ये चाहिए ये लिख देना कौन सा पार्ट AB by PQ equals to AD by PM ओके चलिए तो ये हमने बहुत सिंपल तरीके से किया और ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले भी बताया था देखो एनसीईआरटी का बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए पहले बताया था कि एनसीईआरटी इज इंपॉर्टेंट उसका जो फंडामेंटल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है अच्छे से कर इन द गिवन फिगर ए सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी सर्कल इंस्क्राइब हुआ है क्वाड्रिलेटरल में ठीक है एंगल बी इज 90 AD is what 23 centimeter. AD is 23 centimeter. Angle B is 90. अब देखो ये radius है tangent है तो ये भी 90 है. Radius है tangent है तो ये भी 90 है. तो तीन angle 90 तो चौथा angle automatically 90 तो this is going to be a square. This is because adjacent sides equal है. तो पहले तो ये हर एक एंगल 90 तो रेक्टेंगल रेक्टेंगल के एडजेसेंट साइड्स इक्वल है तो ये क्या बन गया स्क्वायर बन गया ठीक है AD is 23 सेंटीमीटर AB is 29 AB is what 29 सेंटीमीटर is AB एंड DS is 5 DS is 5 सेंटीमीटर फाइंड द रेडियस r निकालना मुझे ये रेडियस है ये स्क्वायर बन गया तो सब साइड इक्वल ये रेडियस तो ये भी रेडियस होगा ये रेडियस है ये 29 है तो ये पार्ट जो बनेगा वो 29 माइनस आर बनेगा इसमें ही लिख रहा हूं पूरा मैं अलग से लिख के नहीं दूंगा ये 29 माइनस आर अब मुझे मालूम है टेंजेंट सेगमेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट इक्वल होता है तो ये 29 माइनस आर तो ये भी कितना होगा 29 माइनस आर This is 5, तो ये भी कितना होगा This is equal to this because tangent segments from the external point of the same circle are equal. So ये 5, तो ये भी कितना होगा 5 centimeter. Now this 5 plus this 29 minus r is total 23. 5 plus 29 minus r is equal to 23. बराबर ना अब देखो जरा 25 plus 29 is what 34. माइनस आर इज इक्वल टू 23 23 इधर आर उधर सो 34 ये इधर है तो माइनस 23 माइनस आर उधर के तो प्लस आर एंड देयरफॉर आर इज इक्वल टू 1 एंड 1 11 सेंटीमीटर इट मींस आर देयरफॉर आर इक्वल टू 11 सेंटीमीटर सो रेडियस ऑफ दिस इज व्हाट 11 सेंटीमीटर खत्म हो गई काम कहानी यहीं पे समाप्त नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साइन ए माइनस कॉस ए इज 0 For some acute angle A, then find the value of. So sin A minus cos A 0 दिया है. इसका मतलब sin A will be equal to cos A. Minus cos A उधर के तो plus cos A यार. अब sin A equal to cos A कब होता है? या फिर cross multiply कर दिया तो sin A by cos A हो जाएगा. तो sin A by cos A is equals to कितना बचा? 1 बचा. Sin by cos A क्या होता है? Tan tan A is equal to 1. Tan कौन सा angle? Tan 45 1 होता है. यानि कि A equals to 45. A equal to 45. तो इसका value हमको निकालना है. So 2 tan square 45 plus 1 upon
cosec square plus 1. So 2 into tan 45 and 1 का square 1 upon cos 45 कितना होता है? Root 2 होता है. So root 2 का square plus 1. So 2 into 1 square is 2. This is 2 plus 1 by 2 plus 1. So 2 plus 1 is 3. 3 plus 1 by 2. 2, 3 is 6. 6 plus 1 is 7. 7 by 2 is the correct value. 7 by 2. Okay? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन इज, मतलब हमने दो दो मार्क वाला भी क्वेश्चन समाप्त कर लिया और ऐसा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आया हो ऐसा नहीं लगा. लेट्स सी द सेक्शन सी. सेक्शन सी देखते हैं. सेक्शन सी में शी यार देखो कितना इजी वाला आया, 3 मार्क का एक क्वेश्चन आया है. ओके, 5 प्लस 6 रूट 7 इज एन इरेशनल नंबर. ये हमको प्रूव करना है, बचपन से करते आए हैं, बड़ा इजी है. क्या करते पहले, सपोज प्रूफ में वी आर गोइंग टू यूज कॉन्ट्राडिक्शन मेथड. तो पहला सपोज 5 प्लस 6 रूट 7 इज इन द फॉर्म ऑफ ए बाई बी वेर बी इज नॉट इक्वल टू 0, बी अ रैशनल नंबर वेर ए एंड बी आर को प्राइम, ए एंड बी आर है ना. क्या क्या बोला हमने कि ये जो है वो a बाई बी के फॉर्म में लिखा गया है, वेर बी इज नॉट इक्वल टू 0, तो रैशनल नंबर है वो. इरेशनल नंबर प्रूव करना है तो हमने क्या लिया, उसको इरेशनल नंबर लिया कि वो इरेशनल नंबर है. तो वेर a एंड b आर को प्राइम नंबर्स, बिकॉज कोई भी फॉर्म ऑफ आप a बाई बी के फॉर्म में लिखते हो तो कॉमन मल्टीपल कैंसिल करके ही लिखते हो, तो दे आर ऑलवेज गोइंग टू बी को प्राइम. ठीक है, ये बात समझ में आ गई, ये हमेशा ये फिक्स रहने वाला है. अब क्या करूंगा, रूट टू को इसमें एक साइड लूंगा, बाकी सबको एक साइड लेके जाऊंगा. तो 6 रूट 2 इज इक्वल टू ए बाई बी प्लस 5 उधर कहते माइनस 5. सो 6 रूट 2 इज इक्वल टू ए माइनस 5 इंटू बी इज 5 बी अपॉन बी. 6 को क्रॉस मल्टीप्लाई, रूट 2 इज इक्वल टू ए माइनस 5 बी अपॉन 6 इंटू बी इज 6 बी. मुझे ये बताओ, ए बी क्या था, इंटीजर्स थे, तो a माइनस 5b अपॉन a माइनस 5b इज आल्सो इंटीजर, 6b इज आल्सो इंटीजर, सो इंटीजर अपॉन इंटीजर इज अ रैशनल नंबर. सो ये क्या हो गया, लिखेंगे as a by b इज रैशनल नंबर, देयरफॉर उससे बना a माइनस 5b अपॉन 6b इज आल्सो रैशनल नंबर. अगर ये रैशनल नंबर है तो ये किससे इक्वल है, रूट टू से, तो रूट टू देयरफॉर रूट टू इज आल्सो रैशनल नंबर. ये क्या है, रैशनल नंबर है, ये किससे इक्वल है, रूट टू से, तो रूट टू भी क्या है, रैशनल नंबर. अगर ये रैशनल नंबर है तो हमने जो पढ़ा था कि रूट टू इरेशनल नंबर है तो गलत है. सो ये स्टेटमेंट ने ये कॉन्ट्रेडिक्ट किया कि रूट टू क्या है, रैशनल नंबर है, देयरफॉर इट कॉन्ट्रेडिक्ट्स रूट टू इज इरेशनल नंबर. सो रूट टू इरेशनल नंबर है, ये स्टेटमेंट ने वो स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट किया था. तो मतलब ये अगर आ रहा है कि रूट टू रैशनल नंबर है, मतलब अपना सपोजिशन गलत होगा, इसलिए गलत आ रहा है. देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग. अपना सपोजिशन रॉन्ग है, यानी कि ये सपोज किया था कि ये क्या था, रैशनल नंबर था, और रॉन्ग है. तो राइट क्या होगा, उसका उल्टा, कि ये रूट 5 प्लस 6 इज रूट 2, वो इरेशनल नंबर. देयरफॉर 5 प्लस 6 रूट 2 इज इरेशनल नंबर. हो गया, सिंपल कर दिया आप लोग. चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रेड्यूस बाय 160 मीटर स्क्वायर इफ इट्स लेंथ इज इंक्रीज बाय 5 मीटर एंड ब्रेथ इज रेड्यूस बाय 4 मीटर. हाउएवर इफ द लेंथ इज डिक्रीज बाय 10 मीटर एंड द ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 2 मीटर देन द एरिया इज डिक्रीज बाय 100 मीटर स्क्वायर. सिंपल सा है, जरा ध्यान से देखिएगा. एक रेक्टेंगल है, दिस इज अवर रेक्टेंगल, जिसका लेंथ एक्स है, ब्रेथ वाई है. सो एरिया विल बी एक्स इंटू वाई. अब रिलेशन देखो, पहला वाला, एरिया इज रिड्यूस्ड बाय 160,
सो एरिया एक्स वाई था, कंडीशन नंबर वन देखो, कंडीशन वन एरिया क्या था, एक्स वाई था, दिस इज रिड्यूस्ड बाई 160, मतलब माइनस 160 हो गया. कब, जब लेंथ इज इंक्रीज्ड बाई 5. सो लेंथ क्या था तुम्हारा, x था, उसको 5 से इंक्रीज किया तो x प्लस 5 हो गया. एंड द ब्रेथ, इफ द लेंथ इज इंक्रीज्ड बाई 5 एंड द ब्रेथ इज रिड्यूस्ड बाई 4, ब्रेथ क्या था y था, सो y को 4 से रिड्यूस किया, मतलब 4 से माइनस किया, y माइनस 4. नाउ दिस इज लेंथ इनटू ब्रेथ एंड दिस इज व्हाट एरिया. अब इसको सॉल्व करते हैं, इक्वेशन के फॉर्म में लेके आते हैं, x into y will be xy, x into 4 will be 4x, plus 5 into y is plus 5y, and 5 into 4 is 20, equal to xy minus 160. xy, xy cancel, minus 4x, plus 5y, equal to minus 160 plus 20 is minus of 140. This is equation number 1. जैसे ये किया, condition 2 में क्या है, condition 2 कैसा है कि second condition, how if we length is decreased by 10, length क्या है, x है, x को decrease किया 10 से तो x minus 10 हो गया. And the breadth is increased by 2, breadth क्या है, y है, and the breadth is increased by 2, breadth y था, उसको increase किया 2 से तो y plus 2 हो गया. So this is new length, this is new breadth, length into breadth is area, area is decreased by 100, area xy था, 100 कम हुआ तो xy minus 100, ऐसा है. चलिए वापस इसको सॉल्व कर दिया जाए, x into y will be xy, x into 2 will be 2x, minus 10 into y is minus 10y, and minus 10 into 2 is minus 20 is equal to xy minus 100. So xy, xy get cancelled off. This is 2x minus 10y equal to minus 100 plus 20 is minus 80. This is equation number 2. एक काम करते हैं, चलो तो ठीक है, कोई बात नहीं. अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x एंड y निकालना है, और डायमेंशन मतलब लेंथ इनटू लेंथ एंड ब्रेथ निकालना है. अब देखिएगा जरा, इधर का x का कोएफिशिएंट 4 है, माइनस 4 इधर 2 है, 4 लाने के लिए एक तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो भी हो जाएगा, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 4 हो जाए, नहीं तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो y 10 हो जाएगा, कोई भी एक करो. तो हम इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4x, 2 10 जा 20y, 2 8 जा 16, मतलब 160. दिस इज इक्वेशन नंबर 3. अब x का कोएफिशिएंट सेम हो गया, साइन अलग-अलग है, तो दोनों को ऐड कर देते हैं, सो 1 plus 3, सो 1 इज व्हाट, minus 4x plus 5y is equal to minus 140, and the second is 4x minus 20y minus 116, plus 4x minus 4x kya, plus 5 minus 20 is minus 15y, this is minus of 300, so y minus minus cancel, y equal to 300 upon 15, 15 ones are 15, 2s are 30, so y equal to 20. अब y equal to 20, यानि कि breadth is 20, y मिल गया, substitute करते हैं कहीं भी एक जगह, x मिल जाएगा, so यहाँ पे डाल दो, या फिर यहाँ पे डाल दो अपने मर्जी से, तो minus 4 into y, plus 5 into, minus 4 into x, plus 5 into y is what, 20, is equal to minus 140, यही है, हमने y के जगह पे 20 डाल दिया, xy निकालना हमको, so minus 4x, 5 2 10, 100 is equal to minus 140, so minus 4x is equal to ये 100 उधर के तो minus 100, so minus 240, minus minus cancel, so therefore x equal to 240 upon 4, 4 6 are 24, zeros are, and therefore 60, x equal to 60 and y equal to 40, so ये क्या है, मीटर्स में है, सो x इक्वल टू 60 मीटर एंड y इक्वल टू 40 मीटर, ओके, सो लेंथ इज 60 मीटर, y इज 20 मीटर, सॉरी 20 मीटर, ब्रेथ इज व्हाट 20 मीटर, बराबर से लिखना,
इधर से उधर लिखते हो, गलती नहीं कर देना इसे, ओके? तो आप समझ रहे हो कैसा इजी क्वेश्चन आ रहा है, कुछ ऐसा बड़ा बाहर से आया हो ऐसा कुछ नहीं है। और मैं चाहूंगा कि ये इक्वेशन डिराइव करें और क्वेश्चन देखें सिर्फ। If 60 is subtracted from twice the greater of the two positive numbers, so two positive numbers are x and y, where x is greater than y. If 16 is subtracted from twice the greater of two positive numbers, twice the greater, 2 into x, इसमें से 16 subtract किया, the result is half the other number. The result जो आया वो other number y का half है. इससे एक इक्वेशन बनेगा, सो 2 टू जा 4x माइनस 16 टू जा 32 इक्वल टू y, सो ये इधर आया तो 4x माइनस y इक्वल टू, ये उधर गया तो 32, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, चलो इक्वेशन बना दिया। अब दूसरा देखते हैं कंडीशन नंबर 2, दिस इज कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2 किस प्रकार है कि इफ 1 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम हाफ द ग्रेटर नंबर, इफ 1 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम हाफ द ग्रेटर नंबर इज x, उसका हाफ से 1 अगर मैं सब्सट्रैक्ट करूं, द रिजल्ट इज स्टिल द सेम, मतलब हाफ ऑफ y, है ना, पहले कैसे रिजल्ट आता है ऐसा बोला उसने। सो दिस x माइनस 2 इज इक्वल्स टू y, द होल अपॉन 2 इज इक्वल टू y अपॉन 2, सो दिस 2 टू गेट कैंसिल्ड ऑफ x, ये y इधर है तो माइनस y इज इक्वल टू 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब दो इक्वेशंस मिल गए, दोनों को सॉल्व कर लोगे तो x एंड y मिलेगा, y का कोएफिशिएंट भी सेम है डायरेक्टली भैया, दोनों का साइन भी सेम है, तो सब्सट्रैक्ट कर दो 1 माइनस 2, सो 1 इज व्हाट 4x माइनस y इज इक्वल टू 32, दिस इज x माइनस y इक्वल टू 2, प्लस था तो माइनस, माइनस था तो प्लस था तो माइनस, प्लस y माइनस y गया, 4x माइनस 1x इज 3x इज इक्वल टू 32 माइनस 2 इज 30, so x equals to 10, बराबर ना, x का वैल्यू मिल गया, सब्स्टिट्यूट करो y में यहाँ पे, so x is what 10 minus y is equal to 2, so minus y is equal to 2 minus 10, that is minus 8, minus 1 cancel, y equals to 8, यानि कि x and y मिल गया, greater number is 10 and smaller number is 8। चलिए सॉल्व भी हो गया ये क्वेश्चन, बहुत बड़ा क्वेश्चन ऐसे 30 मार्क खान ऐसा तो था नहीं, ठीक है। अभी ये पहले एक क्वेश्चन कर लिया जाए। टेंजेंट TP एंड TQ आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर O, तो एक सर्कल बनाया, सो दो टेंजेंट्स हैं, दिस इज TP, TP and TQ, TP and T, TP and TQ are drawn to a circle with center O, center of the circle is O, prove that PTQ is twice of OPQ, चलो एक बना देते हैं, O से P and P से Q, ठीक है, चलो अब ये प्रूफ करना है, प्रूफ देखिएगा, बहुत सिंपल है, ये बुक में एग्जांपल में है, ओके? तो लेट दिस एंगल बी थीटा, ये एंगल क्या ले लिया हमने, थीटा, ओ पी क्यू एंगल, लेट एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू थीटा, ये थीटा है, ये हमको मालूम है दिस एंगल इज व्हाट 90, तो दिस एंगल विल बी 90 माइनस थीटा, सही है, सो मैं लिख देता सेकेंड पॉइंट में एंगल ओपीटी इज 90 बाय टेंजेंट परपेंडिकुलरिटी थ्योरम, रेडियस है टेंजेंट है तो टेंजेंट परपेंडिकुलरिटी थ्योरम से 90 है, देयरफॉर एंगल TPQ विल बी 90 माइनस थीटा, विल बी 90 माइनस थीटा, ये टोटल 90 था, 90 में से थीटा गया तो ये 90 माइनस थीटा। सो थर्ड फोर्थ पॉइंट में आप जरा ध्यान से सुनिएगा,
It is TP equal to TQ. TP is equal to TQ. Tangent segment from external point to the same circle are equal. पढ़ा था. अगर ये दोनों equal है तो इसके opposite angles भी क्या होंगे? Equal होंगे. ये 90 degrees theta तो this is also 90 degrees theta. TPQ. TQP. This both is what 90 minus theta. This is isosceles triangle theorem. This is also what 90 minus theta. ये भी कितना है 90 minus theta. अब हम क्या करेंगे कि this plus this plus this. In triangle TPQ, angle T, this is angle T, and this is 90 plus theta plus 90 minus theta is equal to 180. Angle sum property of triangles. This plus, this is what 180. Ab ye plus 90 is 180, 180, 180 gaya. So angle T. माइनस थीटा माइनस प्लस माइनस टू थीटा इज इक्वल टू व्हाट जीरो माइनस टू थीटा उधर गया तो प्लस टू थीटा एंगल टी का मतलब टीपीक्यू है दैट इज एंगल टी पीटीक्यू टीपीक्यू एंड टू टाइम्स एंगल थीटा का मतलब ओपीक्यू है ओपीक्यू हो गया ना प्रूफ टीपीक्यू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ओपीक्यू आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं दिस एंगल इज साइन रेस टू फोर थीटा माइनस कॉस रेस टू फोर थीटा प्लस वन इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टू सिंपल सा है सो साइन रेस टू फोर थीटा एलएचएस ले लेते हैं माइनस कॉस रेस टू फोर थीटा प्लस वन इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा अब जरा ध्यान से देखो साइन रेस टू फोर थीटा माइनस कॉस रेस टू फोर थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा द होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा द होल स्क्वायर प्लस वन इंटू कोसेक स्क्वायर अब मुझे ये बताना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वन इज इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा सो दिस इज गोइंग टू बी वन दिस इज व्हाट वन इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वन इंटू कोसेक कोसेक इज वन बाई साइन अब देखिए जरा इसके बाद में हम क्या करेंगे इसके बाद में ये करेंगे दिस इज वन साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर प्लस वन अब देखो जरा इसको क्या करने वाला हूं मैं विल वी आर गोइंग टू कन्वर्ट दिस कॉस स्क्वायर इन द फॉर्म ऑफ साइन स्क्वायर सो साइन स्क्वायर थीटा बिकॉज साइन के फॉर्म में बाहर माइनस दिस इज वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा और आगे प्लस वन है इंटू वन बाई साइन स्क्वायर थीटा सो दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन और ये कितना हो जाएगा माइनस प्लस विल बी माइनस माइनस विल बी प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस वन इंटू वन बाई साइन स्क्वायर थीटा नाउ दिस इज माइनस वन प्लस वन गया साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर विल बी टू साइन स्क्वायर इंटू वन बाई साइन स्क्वायर तो साइन स्क्वायर गया इक्वल टू टू इक्वल टू व्हाट आर एच एस सिंपल सा बात है ना सो आप लाइन से करोगे तो समझ पाओगे क्वेश्चंस को लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इज टू देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन रेस टू 19 थीटा प्लस कोसेक रेस टू 28 थीटा मतलब ऐसा है कि साइन एक्स प्लस कोसेक इज टू साइन एक्स प्लस कोसेक मतलब कोसेक इज वन बाई साइन होता है is equal to 2 cross multiply so sine square theta x plus 1 is equal to 2 sin x multiplying 4 by sin x and solve kar rahe hain ab iska sin x ka value nikal rahe hain isse
सो ये इधर आया तो साइन स्क्वायर एक्स, ये इधर तो माइनस टू साइन एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो. तो ये देख पा रहा हूं तो मैं दिस इज साइन एक्स माइनस टू द होल स्क्वायर माइनस वन द होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया ये, है ना. सो साइन एक्स माइनस वन द होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया इक्वल टू जीरो. तो साइन एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, इसका मतलब साइन एक्स इक्वल्स टू वन. देयरफोर साइन एक्स इक्वल्स टू वन. सो वी नो दैट साइन 90 इज इक्वल टू वन, सो एक्स इक्वल्स टू 90. एक्स इक्वल्स टू 90. अब एक्स 90 मिला तो साइन रेस टू 19 ऑफ 90, है ना, प्लस कोसेक 20 रेस टू 90. नाउ साइन इज ऑल्सो 1 रेस टू 19, कोसेक इज ऑल्सो 1 रेस टू 20. सो 1 प्लस 1 विल बी इक्वल टू व्हाट, 2. सो वैल्यू ऑफ दैट इज व्हाट, 2. सो इतना ध्यान में रखना है कैसे करना है. ओके सो आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान दे देते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, अ राइट सर्कुलर सिलेंडर and a cone of equal base and equal height. If their curved surface area are in the ratio is to 8 is to 5, then find the ratio between the radius of the base and their height. So, the right circular cylinder of cone and a cone. Ek right circular cylinder hai. This is a cylinder. इसका हाइट h है, रेडियस r है, कोन का भी वही है, रेडियस इज r एंड हाइट इज व्हाट, h. सो अ राइट सर्कुलर सिलेंडर एंड अ कोन ऑफ इक्वल बेसिस एंड इक्वल हाइट्स, इफ इट्स कर्व सरफेस एरिया आर इन द रेशियो, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, CSA ऑफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर upon curved surface area of the cone are in the ratio 8/5. So curved surface area of the cylinder is 2 pi r h upon this is what pi r l cone ka 8/5. pi gaya, r gaya, so 2 into h, so 2 ones are 2, 4s are bhi cancel kar de to zyada better ho jayega. So h upon l is what, so pucha hai, find the ratio of the radius of their bases and their heights. So root of l square is, we know that l square is r square plus h square, so l will be root of r square plus h square, barabar hai. So this is r square plus h square is equal to 4/5, taking squares on both the sides, so h ka square upon r square plus h square is equal to 4 square 16, 5 square is 25. Just cross multiplying, 25 into h square is 25h square, 16 into r square is 16r square, 16 into h square is 16h square. Simplify kar raha hu, sab h x side, r x side. So this is 25 minus 16, 25 minus 16 is what, 9. 9h square equal to 16r square. So r square by h square is equal to 9/16. Squaring on root, taking root on both sides. So r by h will be root of 9 is 3, root of 16 is 4. So r, the ratio of the radius of their base to their height is what? 3 is to 4 is the value. 3 is to 4. So kaise kiya wo aapko pata chal gaya hoga. Bahut simple sa hai. ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है. आप देख रहे हो तो एग्जाम में अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आया तो बहुत इजीली कर पाओगे. वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड और अ बिट, और आया तो करने का प्लस, ठीक है. सो फेस कार्ड कितने होते हैं, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड और ब्लैक कार्ड, ठीक है. तो फेस कार्ड हमारे पास होते हैं 4, 3, 12. तीन सब में होते हैं फेस कार्ड्स, चार जोनर हैं, तो 12 फेस कार्ड्स. उसमें ब्लैक कलर के कार्ड्स होते हैं 6 ब्लैक कार्ड्स,
और टोटल ब्लैक कार्ड्स कितने होते हैं? 13 + 13 = 26 26 में से 6 ब्लैक कार्ड्स के इसमें आ गए, तो टोटल बचे कितने? 20 ब्लैक कार्ड्स. तो 20 + 6 = 12 विल बी इक्वल टू 32. सो टोटल 32 कार्ड्स होंगे, जो एक तो फेस कार्ड हो नहीं तो ब्लैक कार्ड्स हो. सो फेस कार्ड और ब्लैक कार्ड्स इज टोटल 32 आउट ऑफ टोटल 50. 2 1s are 2, 2 6s are 2, 26s are 2 8s are 2 13s are. It means 8/13 is the value. First one. Second वाले पे आते हैं. Neither an ace nor a king. ना तो वो ace होना चाहिए ना तो king होना चाहिए. So 4 और 4 हटा दो, 8 हटा हट गए. So probability of neither ace nor a king. ना तो वो एस होना चाहिए ना तो वो किंग होना चाहिए. 4 एस हैं और 4 किंग है, 8 चले गए. टोटल 52 में से 8 गए तो 44 बचे. आउट ऑफ 52 तो 2 2s are 4 2 2s are 4 2 2s are 4 2 6s are 12 2 11s are 2 1s are 3s are. इट मींस व्हाट? 11/13 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर एस नॉर किंग. थर्ड वाले में प्रोबेबिलिटी ऑफ अ जैक और अ ब्लैक कार्ड. अ जैक और ब्लैक. सो जैक 4 होते हैं, उसमें से 2 ब्लैक होते हैं. सो ब्लैक कार्ड 26 होते हैं. 26 में से 2 चले गए तो 24 बचे. 24 + 4 = 28. 28/52. 2 1s are 2 4s are 8. 2 2s are 4 2 6s are 12. 2 7s are 2 13s are. It means 7/13 is the value. है ना? तो बात समझो, हर एक चीज अगर आपको बेसिक आता रहेगा तो बहुत इजी हो जाएगा, नहीं तो ये जो है लफड़ा करेगा. ओके, तो सेक्शन सी हमारे यहाँ पे समाप्त हो गया. अब चलते हैं सेक्शन डी पे. सेक्शन डी में हर एक क्वेश्चन 5-5 मार्क्स का है, उस प्रकार का क्वेश्चन भी होगा. 4 क्वेश्चन से, चारों 5-5 मार्क के क्वेश्चन से. चलिए देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि आपको, अब देखो इसमें और दिया हुआ है तो मैं एक करूंगा और एक आप लोगों को होमवर्क करना पड़ेगा. ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये करता हूँ. द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 80 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th इन द मॉक टेस्ट ऑफ मैथमेटिक्स इज गिवन बिलो इन द टेबल. सो पहले तो ये 0 and above 10 and above सब दिया हुआ है, तो कैसे इसको हम लोग टेबल में कन्वर्ट करें, दैट आई विल शो यू. तो पहले मैं काम करता हूँ और इसमें एक पेज ऐड करते हैं. ठीक है, तो क्लास लिखता हूं मैं, क्लास ओके. चलो, सो दिया क्या है? 0 and above. पहले क्या क्या दिया एक बार देख लेते हैं. सो मार्क्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मार्क्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. तो पहला 0 and above 80. फिर 10 and above. फिर 20 and above. ऐसे कितने हैं? ऐसे 100 and above तक दिया हुआ है. यस, तो 20 and above. 30 and above. 40 and above. 50 and above. 16 and above. 70 and above. 80 and above. 90 and above. 100 and above. ओके, ठीक है. अब पहला कितना है? 80. 77 72 65 77 72 65 77 72 65. Then 55 43 28 16 10 8 0 16 10 8 0 16 10 8 0. अब देखो जरा, ये तो ऐसा दिया है, अब हमको क्लास वालास तो पता नहीं है, तो पहले क्लास में कन्वर्ट करते हैं. क्लास
सो क्लासेस पहला 0 से 10, 0 से 10, फिर दिस इज 10 टू 20, 20 टू 30, देन 30 टू 40, देन 40 टू 50, 50 टू 60, 60 टू 70, 70 टू 80, 80 टू 90, 90 टू 100, एंड 100 एंड अबव, मतलब वो तो जीरो है, कोई वैल्यू तो बनेगा नहीं, तो इसको ऐसे छोड़। सो पहला 90 एंड 100 निकालने के लिए 8 माइनस 0 कितना हो जाएगा, ये 8, दिस इज 10 माइनस 8 व्हिच विल बी 2 इज अ फ्रीक्वेंसी, दिस इज व्हाट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सो दिस इज 10 माइनस 6 इज व्हाट 16, दिस इज 16 माइनस 28 मींस 2 एंड 1 12, तो इसके बाद में दिस इज दिस 43 माइनस 28, सो 13 में से 8 गया, 13 में से 8 गया तो 5, सो दिस इज 1 15, 5 में से 3 गया तो 2, एंड 5 में से 4 गया तो 1 12, 5 में से 5 गया तो 0, 6 में से 5 गया तो 1, 12 में से 5 गया तो 7, एंड दिस इज 6 में से 6 गया तो 0, then 77 से 72 गया तो 5, and this is 3, so frequency मिल गई हमें। frequency मिलने के बाद में what we want mode and median। देखो median निकालने के लिए पहले तो क्या बोला है, median निकालो। so median निकालने के लिए पहले क्या हमने निकालना होगा, cumulative frequency less than time, उसमें क्या करते हैं ऊपर से add करते आते हैं, this is 3, 3 plus 5 will be 8, 8 plus 7 will be 14, 15, 15 plus 10 will be 25, 15 plus 10 is 25, 25 plus 12 will be 37, 37 plus 15 will be 7, 12, 1, 2, so 5, 52, whatever it. Now 52 plus 12 will be equals to 60, 60, 64, 64 plus 6 will be 70, then 72, then we have 80, whatever it, sahi aagaya. तो उसके बाद में अगर हम देखें तो इसमें n कितना है, 80 है, so n is equals to 80, फॉर्मूला बताऊंगा छोड़ दूंगा आपको करना, कैसे निकाला, n is what 80, फिर उसके बाद में n by 2, 80 by 2 is 40, 40 है क्या, नहीं है, उससे जस्ट बड़ा नंबर कौन सा है 52, so this class will be your median class, this class will be your median class, median class, so उसके लिए lower class limit is what, l is what 50, then f is frequency, f is 15, height, class size is 10 का है, this is your cf, so cf is what 37, सब मिल गया तो median का formula, median is equal to l plus n by 2, n by 2 minus cf upon f into h is the formula, आप डालो और solve करो, इसका मीडियन मिलेगा। अब हमको मोड भी निकालना है, मोड कैसे निकालते हैं, मैं ग्रीन कलर से कर देता हूं ताकि आपको दिखाई दे जाए, या व्हाइट कलर से ये ग्रीन कलर से। तो इसमें देखो सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी कौन सा है, सबसे बड़ा देखो कैसे इसको हमने फ्रीक्वेंसी टेबल में लाया, वो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, इसको लाओगे तभी आप ये सब निकाल पाओगे, नहीं तो नहीं मिलेगा। मोड निकालने के लिए सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी कौन सा है, यही वाला है, सो दिस इज एफ वन, इसके पहले वाला F0, इसके बाद वाला F2, so and उसके बाद में lower class limit is 50, यही class, this class F1 जो maximum frequency रहेगा, that will be your model class, okay, so maximum frequency 50 दिख रही है, so L is equals to 50, L is equal to 50, F0 is 12, F1 is your 15, F2 is your 12, so mode is equals to L plus F1 minus F0 upon 2 times F1 minus F0 minus F2 into H is the formula, H now, H is what 10, 10 का distance है, 10 अब डाल दो और solve कर लो, बस खत्म हो गई, ऐसे ही mode और median इसमें मिल जाएंगे दोनों formula से, तो ये वाला सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में लिखना भाई आंसर, ठीक है। उसमें और में और एक है तो वो आप करोगे भाई, ओके चलो।
अभी हम आते हैं जरा सॉल्व करने वाले स्टेट एंड प्रूफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. सो दिस इज बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, सबको आता है, जैसे कि बोला था बीपीटी या फिर थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं इसको. ओके, तो ये आप लोग करोगे. अब देखिए जरा इसको, अब ये कैसे आया एग्जाम में, एक बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम करना है, उसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन दिया है, तो क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं. इन ट्रायंगल एबीसी इफ डी इज पैरेलल टू बीसी, इन ट्रायंगल एबीसी एक ट्रायंगल बनाया इन विच डी इज पैरेलल टू बीसी. So this is A, this is B, this is C. This is DE is parallel to BC. D is parallel to BC. AD is X. AD कितना है? X है. BD कितना है? X minus 2. AE is X plus 2. And EC is X minus 1. Using the basic result, अभी हमारे पास क्या था basic proportionality theorem, कि अगर ये इससे parallel है तो ये दोनों साइड को same ratio में divide करेगा. It means that AB upon DB is equal to AE upon EC. This is by basic proportionality theorem. Why? Because DE is parallel to BC. अगर ये DE parallel to BC होगा तो ये क्या करेगा, दोनों साइड को same ratio में divide कर देगा. So AD is what? X upon X minus 2 is equal to X plus 2 upon X minus 1. Cross multiply X into X minus 1 equal to X plus 2 into X minus 2. जब मैं इसको solve कर रहा हूँ तो this is X square, this is what? 1X. This is what? 1X. This is X square minus 2 का square 4, X square cancel, minus X equals to minus 4, minus 1 cancel, X equals to 4. बहुत simple तरीके से आप लोग ने इसको solve किया. आगे बढ़ते हैं और next question की तरफ जाते हैं, बढ़ते हैं और देखते हैं. A man on the top of the vertical tower observes a car moving at a uniform speed coming directly towards it. It takes 12 minutes for the angle of depression to change from 30 to 45. इसका मतलब ऐसा है कि एक आदमी जो है वो टावर पे चढ़ा हुआ है और कार को देख रहा है. सो यहां पे वो खड़ा हुआ है, कार को उसने पहले देखा. सो एंगल ऑफ डिप्रेशन था उस वक्त पे 30. इस वक्त पे एंगल ऑफ डिप्रेशन वाज 30. वो यहां से कार पहले ए पे था, फिर वो कार बी पे आया. उस वक्त पे एंगल ऑफ डिप्रेशन वाज 45. दिस वाज 45. ओके, तो पहले ये 30 था, तो ये एंगल कितना हो गया? 30. So, A से B तक 30 से 45 होने के बीच में टाइम उसने कितना लिया? 15 मिनट्स लिया. ओके, सो 12 मिनट्स. सो दिस इज 12 मिनट्स. ओके, हाउ सून आफ्टर दिस विल द कार रीचेस द टावर. यहां से टावर आने के टाइम कितना टाइम लेगा, दैट वी हैव टू नो. So time to B to C, time of AB दिया हुआ है, time of BC हमको निकालना. So speed of the car from A to B, speed is what? X meter per minute. So अगर मुझे time पता है, speed पता है, तो distance of AB will be speed into time. So 12 into x, that is 12 x meters. Okay. So this is distance. अब ये जो distance है, हमने distance cb उसको y ले लिया, इसको height h ले लिया. Okay. So tan 45 is equal to, पहले मैं tan 45 use कर लेता हूँ. Tan 45 is equal to h upon y. So h upon y. So tan 45 is 1, h upon y, cross multiply, y equal to h cube. Because we want time bc,
टाइम ऑफ बी से, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. टाइम क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ बी सी अपॉन स्पीड. स्पीड इज व्हाट? स्पीड इज एक्स. में कोई प्रॉब्लम नहीं. अपॉन स्पीड, सो दिस इज स्पीड इज एक्स. डिस्टेंस हमको बी सी निकालना है. सो मतलब वाई निकालना है. इसका मतलब क्या है? वाई निकालना. अब वाई निकालते हैं. तो y निकालने के लिए ये पहले हम tan 45 रिलेशन निकाला x और h के फॉर्म में. वैसे ही tan 30 भी यूज कर लेते हैं. tan 30 इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. सो h अपॉन एडजेसेंट इज व्हाट? दिस टोटल. दिस टोटल, दिस इज 12x ना. तो 12x प्लस y. तो tan 30 इज व्हाट? 1 by root. h अपॉन 12x प्लस y. क्रॉस मल्टीप्लाई. सो 12x plus y is equal to h is equal to y. So इधर root 3 into y. h के जगह पे क्या लिख दिया? y लिख दिया. So y एक साइड गया. So root 3 y. ये उधर गया तो minus y equal to 12x. So this is y equals into root 3 minus 1 is equal to 12x. Cross multiply. So therefore y will be equals to 12x upon root 3 minus 1. Rationalize कर लो. So y is equal to, या उसमें डाल के rationalize करो. चलो कोई भी करो, कुछ भी, कोई problem नहीं है. So this is y, इसमें डाल देते हैं. 12x upon y मिल चुका है. So this is equals to 12x upon root 3 minus 1 the whole upon x. So x x get cancelled off. This is 12 upon root 3 minus 1 bacha into root 3 plus 1 upon root 3 plus 1. Rationalize kiya iska conjugate se multiply divide. So niche ho jayega root 3 ka square 3. 3 minus 1 will be 2. Upar 12 into root 3 plus 1. So 2 1s are 2 6s are. It means 6 into root 3 plus 1. You know, 6 into. So time of BC is equal to 6 into root 3 plus 1. Ab this is 6 into root 3 kitna hai? Root 3 diya hai 1.73. So 1.73 plus 1. So 6 into 2.73. Now this is equal to 6 3 is 18. 6 7 is 42, 43. 6 to 12. 12 plus 4 is 16. In ye kya hai? Minutes hai, to ye bhi minutes hoga. तो 16.38 मिनट्स लगा टाइम बी से सी तक आने के लिए. 16.38 मिनट्स लगेगा. ओके, चलिए ये सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन तुम्हारे बुक में था, बट नंबरिंग थोड़ी चेंज थी. बट इससे ये बात पता चल जाता है कि बुक का क्वेश्चंस करना बड़ा इंपॉर्टेंट है. कॉन्सेप्ट सेम है ऑलमोस्ट. इफ एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द पॉइंट 10 मीटर अबव द लेक. सो एक लेक है, एक लेक है. This is 10 meter above the lake. यहां से cloud को देखा. So angle of elevation is found to be, angle of elevation of the cloud from the point 10 meter above the lake is 30 degree. Is what? 30 degree. And the angle of depression of the reflection in the lake, ये cloud का deflection, this is cloud C, this is what C dash. इसका deflection पानी के अंदर जो है वो कितना दिया है? दिस इज 60 डिग्रीज. ये 10 है तो ये भी 10 होगा. सिंपल सी बात है ना. ये 10 है तो ये भी 10 होगा. अब हमको मालूम है ये x है, ये y है. तो दिस इज 10 प्लस y. ये मिरर, दिस विल एक्ट एज मिरर. सो उसके नीचे का डिस्टेंस भी तो सेम होगा. इमेज डिस्टेंस इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. दिस इज 10 प्लस y, तो ये भी कितना हो गया? 10 प्लस y. ओके, अब आगे बढ़ते हैं. क्या पूछा है? फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लेक. मतलब यहां से यहां तक का वैल्यू हमको निकालना है. ठीक है, अब ये देखो, मैं tan 30 पहले x y का रिलेशन निकाल दूं और फिर नीचे का यूज करूंगा. सो tan 30 इज इक्वल्स टू y by x. tan 30 इज 1 by root 3 is equal to y by x. So x is equal to root 3 into y. This is equation number 1. अब tan 60 अगर मैं यूज करूं, बिकॉज वी वॉन्ट द वैल्यू ऑफ y, ताकि हम ये डिस्टेंस निकाल सके. यही डिस्टेंस ये ना 10 प्लस y, दैट इज डिस्टेंस ऑफ द हाइट फ्रॉम द
distance of height of the cloud from the surface of the lake, that is this one. तो ये m नाम डाल देता हूँ, तो cm निकालना है, तो cm अगर मैं देखूँ cm, तो cm will be equals to y plus tan, तो y हमको निकालना है, सिंपल सी बात है. तो tan 60 अगर मैं यूज करूँ, तो tan 60 का ऑपोजिट इज दिस टोटल 10 plus y upon adjacent is what x, tan 60 is root 3 equal to 20 plus y upon x is what root 3y cross multiply root 3 into root 3 3y 20 plus y y sub x side 3y minus y will be 2y equal to 20 so y will be equal to 10 y mil gaya to cm is y plus 10 y is 10 plus 10 that is equals to 20 meter so height of the cloud from the surface of the lake is what 20 meter khatam सिंपल सा देखो सिंपल सा करो डायग्राम बनाने आएगा ये वाले का तो आपको इजीली समझ में आएगा इसलिए ये सब ये क्वेश्चन मैंने आरडी शर्मा का मेरे को करवाया है तो आप देखोगे तो समझ में आएगा कि भैया ये क्वेश्चन सर जो सिखाते हैं आरडी शर्मा के या एक्स्ट्रा क्वेश्चन जब मैं लेके आता हूँ तो इम्पोर्टेंट वाले क्वेश्चन से लेके आता हूँ जो एग्जाम में अक्सर आते हैं. अ फ्लाइट लेफ्ट 30 मिनट्स लेटर देन द शेड्यूल टाइम in order to reach the destination of 1500 km away in time, it has to increase its speed by 250 km per hour from its usual speed. Find the usual speed. ठीक है. So destination ये distance कितना दिया है? A से अगर मुझे B तक जाना है तो distance is given 1500 km. Suppose किया speed of this flight is x km per hour. ऐसा हमने suppose कर लिया कि speed दे दिया. So time taken to fly that time taken to of the flight is speed upon time, distance upon speed. So distance upon is distance is 1500 upon speed is x. This is in hours. ये original वाला. अब क्या बोला कि भैया flight तो देरी हो गई थी 30 मिनट है ना, तो उसने क्या किया कि new speed की speed को बढ़ाई उसने ताकि वो डिस्टेंस कवर कर सके एग्जैक्ट टाइम पे जाने के लिए. ठीक है. सो पहला एक्स था, अब बढ़ गया 250, तो एक्स प्लस 250 किलोमीटर पर आर हो गया. नाउ दिस न्यू टाइम विल बी इक्वल टू है ना, न्यू टाइम इज अगेन टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस कितना है 1500 अपॉन स्पीड कितना मिला एक्स प्लस 250. दिस इज इन आवर्स. Now, ये जो टाइम का डिफरेंस है वो कितना है 30 मिनट्स का है. 30 मिनट्स मतलब हाफ आवर्स है ना, आवर्स में दिए तो उसको भी आवर्स में लिखूंगा मैं. सो दिस इज ग्रेटर टाइम, दिस इज स्मॉलर टाइम, मींस व्हाट टी माइनस टी न्यू इज हाफ आवर्स का डिफरेंस है, 30 मिनट्स का डिफरेंस है. सो दिस इज 1500 अपॉन एक्स माइनस ऑफ 1500 अपॉन एक्स प्लस 250 इज इक्वल्स टू 1/2. So 1500 is common. 1 by x minus 1 upon x plus 250 is equals to 1 by 2. Cross multiply. No, no. So 1500 into ye either cross multiply x of x plus 250 minus of x into 1 will be x. Upon x into x will be x square plus 250x is equals to 1 by 2. Plus x minus x here. This is 250 into 1500. So, 1, 2, 3 zeros ho gaye. Up 25 into 15. 5 fives are 25. 1 5 is a 5, 2 5 is a 10, 5 is a 25, ठीक है. So, 2 इधर, so this is 15, 7 in 1, 7, 2 1 is a 2, 3, 3, 7, 5, 3, 7, 5, 000, into 2 भी आगे जाएगा इधर, equal to x square plus 250x. अब ये हो जाएगा x square plus 250x, ये 2 से मल्टीप्लाई तो भैया ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस था 3 जीरो है, 1 2 3, 2 5 10 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
to the 6, 7, 75 equal to 0. अब ये जो जब तुम सॉल्व करोगे, सो सॉल्व बाय यूजिंग फॉर्मूला मेथड, सॉल्व करना और जवाब आंसर जो है वो आप कमेंट सेक्शन में देना, ठीक है? बहुत सिंपल वे में आपने इसको भी समझा है एंड होप कर रहा हूं कि मजा आ गया होगा आप लोगों को. आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. दिस इज सेक्शन ई पे हम पहुंच गए हैं और ये है केस स्टडी क्वेश्चन. केस स्टडी क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है दोस्तों, आपको सिर्फ देखना है, जवाब देना है. अब ये क्वेश्चन ऐसा है कि शोन बिलो इज अ ट्रॉफी शील्ड आकाशी रिसीव्ड ऑन विनिंग इट्स इंटरनेशनल टेबल टेनिस टूर्नामेंट. ये ट्रॉफी का दिया है, ट्रॉफी है. द ट्रॉफी इज मेड बाय ग्लास सेक्टर डीओसी. डीओसी इज अ ग्लास सेक्टर, ये ग्लास सेक्टर है. सपोर्टेड बाय आइडेंटिकल वुडन राइट एंगल ट्रायंगल्स. ये सपोर्ट किया राइट एंगल ट्रायंगल्स, ये वुड का है. ओके, यहां पे भी आगे क्या बोला है, डीओए एंड सीओडी इज अ राइट एंगल, ये वुड का है. एओ इज 7, एओ इज 7 सेंटीमीटर एंड एओ अपॉन डीए इज इक्वल टू 1/√3. अब क्या बोला है, आंसर द फॉलोइंग. तो पहला आंसर क्या है देखो सर, पाइन डीओ से, डीओ से निकालते हैं एंगल, डीओ से, डीओसी. अगर मुझे ये एंगल निकालना है तो पहले ये निकाल लेता हूं. दिस इज थीटा सपोज करो. सो ये 7 दिया है, डीओ और इसका रेशियो दिया हुआ है एओ, एओ अपॉन डीए, एओ अपॉन डीए का रेशियो दिया है. तो विथ रिस्पेक्ट टू दिस, दिस इज adjacent side, this is what, opposite. So tan theta, tan theta is equals to opposite upon adjacent AD upon A. ठीक है, so AD, that is AD upon AO is 3/1, so root 3 by 1 हो गया ना ये. So this is tan theta root 3 कब होता है, जब theta is equal to what, 60 degrees. जब theta 60 होगा तो tan of 60 is root 3, simple samjho. So tan theta is 60, the theta equal to 60, to ye kitna mil gaya 60 degree, this is what 60 degree, ye bhi theta hi rahega, ye bhi 60 degree hoga, identical hai. So ye, this angle 60 plus 60 plus ye x, so we know that x plus 60 plus 60 is equal to 180, straight line angle, straight line angles. बराबर ना, थीटा 60 प्लस 60 प्लस x, स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो गया. सो x, दिस इज व्हाट, 120 उधर गया, तो 180 माइनस 120 विल बी इक्वल टू 60, तो x इक्वल टू व्हाट, 60. इसका मतलब DOC, एंगल DOC इक्वल टू 60 डिग्रीज. अब पहला ऑप्शन ये कितना है, 60 डिग्रीज मिल गया. ठीक है, उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है वो देखा जाए. You find the area of wooden triangle. Find the area of the wooden triangle. चलो wooden triangle का area निकाल लेते हैं. ये triangle है, ये base 7 दिया है, height OD मिल गया तो काम हो जाएगा. तो इधर से हम क्या करते हैं, AO हमको 7 दिया है, BA निकाल लेते हैं, equal to 1/√3. So cross multiply 7√3 equal to BA. So area of triangle OAD, ये और ये एरिया सेम रहने वाला, आपको बता दें. सो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इज 7 इंटू हाइट इज 7√3. सो दिस इज 7 7 49 49√3/2. √3 का वैल्यू है वो डाल सकते हैं, √3 इज 1.732. सो अपन डाल देते हैं. इसके बाद में दिस इज 49 इंटू 1.732, बराबर है 3 upon 2. सो आप मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाय 2 करो, पहले मल्टीप्लाई करना, डिवाइड बाय 2 करना. सो तुमको एरिया ऑफ द वुडन ट्रायंगल मिल जाएगा. अब बोला है फाइंड द एरिया ऑफ द शेप फॉर्मड बाय द ग्लास पोर्शन. ग्लास पोर्शन का एरिया क्या है, एरिया ऑफ द सेक्टर. एरिया ऑफ द सेक्टर इज व्हाट, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. तो थीटा कितना है, 60 है, निकाला था हमने,
अपॉन 360 पाई का वैल्यू 22 बाय 7 इनटू आर का स्क्वायर रेडियस कितना है? रेडियस देखो जरा, रेडियस इज दिस वन। अब हमको ये 7 मिला था, ये 7 रूट 3 मिला था, तो भाई पाइथागोरस थ्योरम आप ये निकाल सकते हो, है ना? सो रेडियस दिस इज आर, सो रेडियस आर विल बी इक्वल्स टू 7 स्क्वायर प्लस 7 रूट 3 द होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। सो आर स्क्वायर निकालता हूं मैं, so r square is equal to 7 का square plus 7 root 3 the whole square, 7 square is 49 plus 49 into 3, so 49 is common, 1 plus 3 is 4, so 49 into 4 बराबर है, so this is r square, so r will be 7 into 2, so it is 14 centimeter, so this is r is what 14 into 14, ठीक है, 1 plus 3, ठीक है, 7 1 जा 7, 2 जा 14, this is 1 time 6, 6 जा, 2 1 जा 2, 3 जा, so this is 14 into 22, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 8 2, 8 0 1, 3 3 0 8, upon 3, point into 3 1 जा, 3 0 जा, 3 2 is 6, 2 0 3 6 is 18, 3 6 is 18, 6 6 aata rahega, so this is 102.67 unit square, that is centimeter, centimeter square is the units, chalo theek hai, so ye aa gaya portion by glitter paper, glitter tape, then find the length of the tape needed, Akshi want to decorate the boundary of the glass पोर्शन विद द ग्लिटर टेप, ठीक है, सो देखो उसका ऐसा था बाउंड्री, इसको ग्लिटर पेपर से लगाना है, तो लेंथ ऑफ द, मतलब ये तो सीधा सीधा बात है कि दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर, सो लेंथ ऑफ आर्क प्लस रेडियस बाय 2, लेंथ ऑफ आर्क प्लस 2 टाइम्स रेडियस, बराबर ना, सो लेंथ ऑफ आर्क निकालने के लिए एरिया ऑफ द सेक्टर इज नोन, चलो ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क भी निकाल देते हैं, तो थीटा अपॉन 360 into 2 pi r plus 2r, so theta is what 60 upon 360 into 2 into pi ka value 22 by 7 into radius is 14 plus 2 into 14, so aap 7 on the 7 2 za 1 za 6 za 2 1 za 2 3 za, so directly kitna ho jayega, ye is 44 upon 3 plus 14 2 za 28, barabar hai, so this is what 44 by 3, 61 za 66 za, to 2 1 za 2 3 za 22, sahi hai, chalo to 44 by 3, so 3 1 za 3, 3 4 za 12, barabar hai, 3 1 za 3, 3 12, 67.67 plus 28, so jab add karoge total, so it will be equals to 0.67 to rahega centimeters mein, and 4 plus 8 is 12, 1 2 4, 42.67 centimeter is the perimeter of the wo jo glass sheet shape mein tha, glass ka tha, पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर हमने निकाला उसका, क्योंकि उसके बाउंड्री पे ही वो टेप मारने वाला है, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और सेकंड पे जाते हैं, अगेन जब सिटिंग अरेंजमेंट दिया हुआ है, एक आखिरी वाला आपको दे दूंगा, सो डोंट वरी, आखिरी वाला आपको करना है, अ स्कूल ऑडिटोरियम हैज टू बी कंस्ट्रक्टेड विच हैज अ कैपेसिटी ऑफ 2000 पीपल, सो SN इज व्हाट, SN इज 2000, आप ये समझो, डाटा लिख लो, the chair in the auditorium are in a concave shape facing towards the stage in such a way that each succeeding row has 5 seat more than the previous, to 5 5 ka difference hai, difference kya hai, plus 5 ka hai, aage kya bola, first row has 15 seats, so a is equals to 15, how many seat will be there in the 12th row, so difference 5 5 का है,
तो 12th रो में कितना होगा a प्लस 11d, a इज 15 प्लस 11 इनटू d इज 5, सो 15 प्लस 11 5 सा 55, सो दिस इज व्हाट 60 70 70 इज 12th रो में टोटल नंबर ऑफ सीट्स। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ देयर आर 15 रोज इन द ऑडिटोरियम देन हाउ मेनी सीट्स विल बी देयर इन द मिडिल रो। 15 रोज है तो मिडिल रो में क्या होगा, मिडिल रो मतलब क्या होगा, 15 रोज है टोटल सोचो। सो मिडिल रो मतलब 16/8 सो जब भी n क्या होगा ऑड होगा तो मिडिल विल बी n प्लस 1/2 है ना। सो ये फॉर्मूला याद रखना, तो n क्या है 15, 15 बाय प्लस 1 16, 16 बाय 2 इज 8, सो मिडिल टर्म इज 8, सो 8 इज a प्लस 7d। a कितना है भैया, a इज देख लो, a कितना था, a 15 था है ना, as 15 rows, so a is 15, a is 15, so 15 plus 7 into 5, so 15 plus 7 5 are 35, so this is going to be 15, so 8th row mein 50 seats hai, and the last one is this one, is the total of 1857 guests were there in the auditorium for the particular event, then how many rows will be needed to make all their seats? So number of rows agar SN diya hua hai, SN is what 1857, so N kitna hoga, that you have to find out if A is what 15 and difference is what 5. So SN is equals to N by 2, 2 into A plus N minus 1 into D. So SN is what 1857, N by 2, 2 into A is 15 plus N minus 1 into D is 5. अब सॉल्व करो, सो कितना हो जाएगा ये, चलो सो दिस इज गोइंग टू बी 2 into 7 14, 2 for the 10 11 11 16 17 3 3 7 1 4 is equal to N into 15 2s are 30 plus 5 N minus 5. Okay, so this is n into 30 minus 5 is 25 plus 5n is equal to 3714, so this is 25n plus 5n square equal to 3714, sab ek side 5n square plus 25n, ये इधर है तो minus 3714 equal to 0 is a quadratic equation, आपको solve करना है by using कोई भी method, तो आप formula method से इसका answer निकालना और comment section में आप डालना, ठीक है, कैसे आया ये बात पता चली गया, ये the total of 1250 guests you were sitting in this, तो how many rows will be left blank out of 30 rows, so पहले ये n निकालना इससे, same ऐसे ही use करके, और 30 में से वो n minus कर देना, मालूम पड़ जाएगा कितना rows खाली रह गए, है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, और मैं चाहूंगा कि ये last का जो coordinate geometry के ऊपर based है, ये बहुत simple है, और ये आप करोगे इसमें, okay, so this is I think so, okay, this is 1 2 3 4 5 6 7 8, so 8, 2 है Q, और R is this is 6, 5, तो 6, 5 है, and P is what 3, 3, तो इससे related सब questions होंगे, अब आपको इसके questions करने हैं, है ना, तो ये कर सकते हैं, बहुत बड़ा खेल नहीं है, okay। अब बोला है क्वेश्चन, ये मैं आपको बता दूं, बिकॉज क्वेश्चन सेंट्रोइड के ऊपर बेस्ड है, तो ये क्वेश्चन हम कर लेते हैं, ओके। तो बोला है कि ये ट्री इज टू बी प्लांटेड एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ द ट्रायंगल PQR, एक ट्रायंगल दिया हुआ है, दिस इज PQR, एंड उसका सेंट्रोइड पे एक ट्री प्लांट करना है, तो व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दैट, ओके, सो PQR दिया हुआ है शायद, सो पी इज व्हाट PQR, 3, 3 इज पी, पी इज व्हाट 3, 3, so this is P, this is what 3, 3, this is Q, Q is what, Q
Q is 6,5 and this is R 8,2. ठीक है, चलो. तो PQR दिया है, this is X1 Y1, this is X2 Y2, this is X3 Y3. So by this is centroid G X, Y. So X will be given by X1 plus X2 plus X3 by 3 by centroid formula. And Y will be given by Y1 plus Y2 plus Y3 by 3. So X1 is what? 3 plus 6 plus 8 by 3. So total is, this is 8. 11. 11 plus 6 is 17. 17 by 3 is X. Well, say Y is what? 3 plus 6 plus 8. Whatever, no? 3 plus 6 plus 8. 9 plus 3 is 8 is 17. 3 plus 5 plus 2, 3 plus 5 plus 2. So this is 8, 9, 10. 10 by 2 is what? 5. So, kaun se, kahan pe wo locate karenge? 17 by 3, 5 pe wo plant ko plant karenge. Theek hai? Baki aap log isme se karoge to maza aayega. Type of triangle, so sides of triangle by distance formula nikaloge. Aapko mil jayega. And the last one is this one. So, इसके बाद में कोई वस्ता नहीं, और हमने एकदम इजी वे में सारे क्वेश्चंस कर डाले. होप कर रहा हूं इसका मैं आपको पीडीएफ भी इसके ये इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. होप कर रहा हूं कि आप लोग ने पूरा पेपर को देखा, एनालाइज किया. एनालाइज करने के बाद आपको ये पता चला कि पेपर बहुत इजी आने वाला है. बहुत ज्यादा हम जो मतलब सोचते हैं कि ऐसा लेवल में क्वेश्चन आया, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है. जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं फंडामेंटल आपके क्लियर होंगे तो क्वेश्चन पेपर बहुत सिंपल लगेगा. फंडामेंटल खराब होंगे, जब फाउंडेशन खराब होगी आपकी तो वही बिल्डिंग अच्छे से नहीं बनने वाली. तो आप जरूर एनसीईआरटी अच्छे से करो, एग्जांपल्स करो, कुछ एग्जाम्पलर क्वेश्चंस भी करो, और पीवाईक्यूज तो करो ही करो. पहले एनसीईआरटी के बाद पीवाईक्यूज करना है, उसके बाद में टाइम बचता है तो एग्जाम्पलर क्वेश्चन करो, और बहुत सारे क्वेश्चन इधर उधर से कर सकते हो. लेकिन इतना करोगे मतलब एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यूज तो आपको फुल मार्क्स मिलने वाले ही है, इतना ध्यान में रख लो. होप करता हूं कि आपका उस आज का सेशन बहुत मजेदार लगा होगा और बहुत इंफॉर्मेटिव लगी होगी. तो जरूर लाइक करो, नए हो तो सब्सक्राइब करो, और बहुत सारा शेयर करो, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले गुड बाय, अलविदा. डाउनलोड द ऐप नाउ.